ओके सो हेलो भाई सभी को यार, यश, निखिल, निवेदित, प्राची, जो भी बच्चे हैं सभी को हेलो भाई। वॉइस क्लियर? मेरी आवाज साफ आ रही? चल एक बार लिंक शेयर कर दूं मैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो हेलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो आज तो मैंने भी टाइम पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ऑन टाइम। यानी इस टेस्ट को लेके मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस वगैरह मुझे भी पता लगे सभी की, क्या चल रही है, कैसे चल रही है परफॉर्मेंसेस। डन, क्लियर? वॉइस ऑडियो वीडियो सब सेट है, बस 1 मिनट दे दो, मैं लिंक शेयर कर दूं, फिर शुरू करते हैं। 1-2 मिनट का वेट करेंगे बस, हम बाकी बच्चे भी आ जाए, फिर शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। क्योंकि टेस्ट है तो स्टार्टिंग से सारे रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर कोई आपके नोन में है जो कह रहा है कि भाई बस शुरू हो तो बता दियो, मैं तुरंत तभी ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो उसे बता दो कि भाई शुरू हो गया, आके ज्वाइन कर ले। 1 मिनट देना बस, मैं लिंक शेयर करूं। ठीक है, और फिर मैं आपको शेड्यूल भी शेयर कर दूंगा कि अगला टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है ना? बिल्कुल देना, बिल्कुल जी, पार्टिसिपेटेड रहो, क्योंकि जो चैप्टर है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ स्टिल, जब तक कि बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 1-2 मिनट लेके फटाफट से मैं समअप कर देता हूँ, 2 मिनट लेके स्टोरी। ठीक है, सबने वो सेशन देखा होगा, मैंने 99 हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल ऐसा करके कुछ मैंने रखा था। ठीक है, आई थिंक 200-250 के अराउंड है, थोड़े 300 पहुंच जाए फिर शुरू कर लेते हैं, हो ही जाएंगे अभी, बस 1 मिनट रुकना, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखना, ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे थे, आप क्वेश्चन ना आ जाए बस फटाफट, जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज करने के चक्कर में। ठीक है, क्वेश्चन सस्पेंस में रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, तो पहला मॉक टेस्ट है आपका। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है एक, या चलो भी उस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? बिल्कुल होगी। चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि यार आप पूरी क्वांट्स पढ़ो, नो डाउट, हर एक चैप्टर करो। ठीक है, लेकिन आप क्वांट्स में अगर 25 चैप्टर हैं तो आप हर किसी पर परफेक्शन नहीं लेकर आ सकते। आप सबको पता है कि आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उनको कई बार डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में कुछ चैप्टर के बड़े ही, मुझे पर्सनली लगता है कि बड़े नॉनसेंस से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज उसको डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट सेट करते हैं जहां पे भी, तो उनको अगर बोला जाता है कि भाई तुम्हें यू नो अराउंड 10 क्वेश्चन आज के टेस्ट में डिफिकल्ट रखने हैं, तो मुझे लगता है कि यार डिफिकल्ट रखो, अच्छी बात है, बट बिना मतलब का डिफिकल्ट मत डालो। ठीक है ना, इतना डिफिकल्ट रखो जैसे कि जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, उसी लेवल पे रखो, सो दैट एक जेन्युइन, बिना मतलब बच्चे को डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, तो वो भी चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें। डन, तो खैर पॉइंट ये है, तो आप हर चैप्टर पे परफेक्शन नहीं ला सकते सर, लेकिन आपके कुछ चैप्टर जो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे कि ये कुछ चैप्टर हैं जिन्हें नहीं पता तो यार देख लेना, इन चैप्टर्स के ऊपर आपको अपनी परफेक्शन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लेकर आनी है। मतलब अगर आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इन चैप्टर का दिखे तो आप उसको ट्राई करो, राइट? एंड पर बाकी इनको करना कैसे, तो जैसे मैंने कहा था आपके नोट्स की परफेक्ट रिविजन होनी चाहिए, 17 से 22 तक के PYQ कम से कम 2 बार करना ताकि स्ट्रक्चर आपके पकड़ में आ जाए। हर तरह का अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपको लग रहा है उस मॉक टेस्ट में लॉग का क्वेश्चन है, जो ठीक है आपको लग रहा है कि बड़ा बेतु का क्वेश्चन है, पर करो उसको, ट्राई करो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है पर ट्राई करो। कई बार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं जो यू नो अगर आप पकड़ गए तो बेसिक लेवल के तो आप कर ही दोगे, लेकिन जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करने वो सिर्फ इन चैप्टर के करने। अगर आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है और आपने इसमें अगर आप देखोगे मैंने फंक्शन नहीं डाल रखा, अगर फंक्शन का बहुत बेतु का क्वेश्चन दिख रहा है तो मत ट्राई करो, बिना मतलब की एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बोला अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट देते हो तो जो भी 15 मॉक टेस्ट है कम से कम 15 मॉक टेस्ट को आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, आई थिंक हो गया, सारे बच्चे आ गए जो जो आने थे। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, शुरू करें ना टेस्ट, आ गए आई थिंक जो जो आने थे, 350 के अराउंड बच्चे हैं, काफी है। ठीक है, बाकी भी आते रहेंगे धीरे धीरे। अब मुद्दे पे आते हैं, देखो सबसे पहले ना मैं टेस्ट ले रहा हूँ, देखो हर बार का ये, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी ये टेस्ट शुरू किए थे, जिन बच्चे ने कंटिन्यू रहे थे उनको बहुत अच्छे लेवल अपनी इंप्रूवमेंट दिखी थी, और ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है ना, उन्हें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी थी जो इन टेस्ट में पूरे, मैंने लास्ट टाइम भी करीब करीब 10-12 टेस्ट रखे थे और उसमें कंसिस्टेंट थे जो बच्चे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे आज है, आज आप देखोगे काफी बच्चे आएंगे, मुझे भी पता है, अभी इनमें से ना 100-150 बच्चे अचानक से गायब हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज आप लोग एक्सपेक्टेशन करके आए हो कि यार आज सर इन चैप्टर से हमारे सामने अराउंड 12 क्वेश्चन रखने वाले, वैसे 11 क्वेश्चन है आज के टेस्ट में,
तो 11 क्वेश्चन सर आज टेस्ट में देंगे, 11 में से 9 तो मैं कर ही दूंगा। ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो, क्लियर है बात मैं क्या कह रहा हूं, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। अगर किसी बच्चे आप इसको ना ऐसे आप इसको इस तरह से समझो कि सर हमारा टेस्ट ले रहे हैं और साथ ही साथ वो हमें एक तरीके का रिवीजन करा रहे हैं इन सारे के सारे चैप्टर का। अगर मैंने आज लॉक का कोई क्वेश्चन रखा और जब मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, लॉक के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो इसको इस तरह लो कि चलो पहले सर टेस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं, देखता हूं कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके दो ही करेक्ट हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इवन मैं कहता हूं जीरो करेक्ट हुए तो भी दिक्कत नहीं है, बस पार्टिसिपेटेड रहो। अगर मैं आपके लिए लगभग 12-13 टेस्ट रखूंगा, आप सब में बने रहोगे ना, तो आप खुद देखना आप चौथे या पांचवें टेस्ट से इंप्रूव करना शुरू कर दोगे, फोर्थ या फिफ्थ से आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी, बस थोड़े पेशेंस रखना। क्लियर है बात मैं क्या करूं, पेशेंस रखने सभी ने, एकदम से बहुत जल्दी खुद को जज मत कर लेना कि अरे मेरे से नहीं हो पा रहा, थोड़ा सब्र करना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगी, पेशेंस रखना बस, ठीक है। तो इसको दो तरह लेना कि एक तो टेस्ट है, सेकंड रिवीजन है। अभी टेस्ट कैसे होगा वो मैं आपको समझा दूं कि ये टेस्ट मैं कैसे लेने वाला हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं। मैं आपके सामने क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है आज के टेस्ट में टोटल, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आज के टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दैट इज 11 क्वेश्चन है। और वो जो 11 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मैंने रख रखा है, जैसे लॉक का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन रख रखा है मैंने, सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन रख रखा है, ऐसे करके टोटल 11 क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, सुन लेना ताकि कोई बच्चा परेशान ना हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन शो करूंगा और उसका टाइमर लगाऊंगा 2-2.5 मिनट का, ठीक है। ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को मैं 2-2.5 मिनट का टाइमर लगाऊंगा, आप उसको ट्राई करना, अगर आपसे हुआ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं होता आगे बढ़ो। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 शो करूंगा, टाइमर लगाऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 शो करूंगा, टाइमर लगाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 टाइमर। तो पहले 1 by 1 टाइमर लगा के मैं 11 के 11 क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, फिर मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा दूंगा कि किस बच्चे ने टॉप किया, उसके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, आपको भी आपकी रैंक पता लग जाएगी ऑन द स्पॉट, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं आपको 1 by 1 सारे सॉल्यूशन कराऊंगा। बात क्लियर होगी सभी को क्या कह रहा हूं मैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखना, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को। तो सबसे पहले 11 के 11 क्वेश्चन 1 by 1 मैं आपके सामने रखूंगा, जब ये 11 के 11 क्वेश्चन एंड हो जाएंगे उसके बाद मैं सारे के सारे सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन भी आपने देखने समझने हैं, राइट, ऐसे नहीं कि अरे टेस्ट दिया दो हुए चल भाई भाग लेते, नहीं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी कोई अदर क्लास का टाइम शुरू नहीं हो गया, मान लो किसी की 10 बजे क्लास है, अगर ऐसा नहीं है तो आराम से तसल्ली से बैठ के सारे सॉल्यूशन देखना, क्योंकि दो चीजों पे ध्यान देना है, एक तो टेस्ट प्लस में शॉर्ट रिवीजन हर एक चैप्टर का, डन है। इस दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेशन लेना है, कोशिश मैं करूंगा 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करें, बिल्कुल कर सकते हैं, चलो सर आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। चलो सर पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप लोग ट्राई करो, क्या तुक्केबाजी कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना रैंडम तुक्के नहीं मारने, ठीक है, तरीके से सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये माइनस का साइन है, ध्यान देना ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस है, रैंडम तुक्के मत मारना, तरीके से सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम दिया मैंने, ठीक ठाक टाइम है 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए, 2-2.5 मिनट, ठीक है, फोकस करो, सॉल्व करो। और ध्यान रखना मैंने अगर यहां पे कोई डिफिकल्ट रखा है तो बिना मतलब का डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखा है, बेतुके डिफिकल्ट नहीं डाले मैंने, सिर्फ वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे से क्वेश्चन मैंने रखे हैं। एग्जाम में जिस तरीके से डिफिकल्ट किया जाता है बस उसी तरीके से मैंने डिफिकल्ट किया है, बिना मतलब जबरदस्ती के डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, ठीक है ना, कि जस्ट बिकॉज मुझे 11 में से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट रखने हैं तो रैंडम कुछ भी बेतुके क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई करें, ठीक है, थोड़े से कम बच्चों के आंसर। और अगर आपको ये देखना है कि सर इस क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो आप पोल के थ्रू देखते रहना, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 15-20% बच्चे कर पा रहे हैं इसका मतलब वो अच्छा क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर 40% बच्चे कर पा रहे हैं तो एवरेज लेवल का है, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 70% बच्चे कर गए दैट मींस वो इजी था। अगर आप यू नो लेवल डिसाइड करना चाहते हो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट तो ऐसे कर सकते हो।
सॉल्यूशन में लास्ट में कराऊंगा, पहले वन बाय वन फटाफट से गो थ्रू करो। अगला क्वेश्चन, पोल मैंने क्रिएट कर दिया, ये बीच में माइनस का साइन है अगेन, ठीक है, ये माइनस का साइन है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, आपके सामने मॉड 5 माइनस लॉग एक्स प्लस मॉड 15 माइनस लॉग एक्स लेस देन 9। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सर प्लीज बता दीजिए, सर आपने क्लास में बोला था कि आप ऐसा ऐसे क्या ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो अगर एग्जाम में आता हूँ। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे वो सेशन लिया था ना पूजा, एक बच्चे को मैंने उसका लिंक तो शेयर किया था, एक बार मुझे मैसेज डालना पूजा आप, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, स्पेशल क्लास पे था। यार वैसे मानना पड़ेगा एक्टिव हुआ आप सारे, मतलब 450 कम नहीं होते, ठीक है, मतलब सही है, जोश तो है सारे बच्चों में पूरा, अच्छी बात है, विच इज गुड। सही है, 27% बच्चे। ठीक है, दिमाग पूरा लगाना, ठीक है, 2-2.5 मिनट जो है दे रहा हूं मैं, पूरा अपना एफर्ट इसमें पूरे दिमाग लगाना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जो बच्चा इस क्वेश्चन को कैच कर गया उसके लिए 15 सेकंड का क्वेश्चन था बस ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। टोटल 11 क्वेश्चन है टेस्ट में, लास्ट में सबके सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बिल्कुल होगी। बाकी ध्यान रखना क्वेश्चन मैंने बिल्कुल चुन चुन के रखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए, टेस्ट तो हो ही, साथ ही साथ ये जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके मेन मेन कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हों, ठीक है ना, ऐसे करके और टेस्ट होंगे सारे के सारे मैं रिवाइज करा दूंगा। मतलब अगर आप इन टेस्ट में, हर टेस्ट में अगर मैं 11-11 क्वेश्चन रख रहा हूँ और मान लो मैंने 10 टेस्ट रखे तो टोटल हुए 150 क्वेश्चन, राइट, और सॉरी 15 टेस्ट लिए तो 150 क्वेश्चन, इन 150 क्वेश्चन को भी ढंग से करोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट मैं कवर कर दूंगा 150 क्वेश्चन में, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स के, तो इसलिए सॉल्यूशन वगैरह जरूर देख लेना। नवीन आपने टाइम एंड वर्क ही नहीं किया अभी तक, ये कैसे हो सकता है नवीन। अब देखो इसका आंसर 40% बच्चों ने करेक्ट किया, 45% ने, तो आप ये मान के चलो कि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 40% बच्चे अगर इसका आंसर कर रहे हैं तो आप इसे मॉडरेट लेवल कह सकते हो। इनकी पीडीएफ डाउनलोड करते रहना, जितने भी मैं टेस्ट लूंगा ना सबकी पीडीएफ डाउनलोड करके हर क्वेश्चन को दोबारा जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करो एक बार। थोड़े आसान क्वेश्चन भी बनते हैं, हाँ? जिन्हें प्रॉपर्टी पता है उनके लिए। हाँ मतलब अब ये जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना सौरभ, मतलब ये सेशन जब एंड होगा तो उसके 1 घंटे बाद
ये सेशन ऐप पर अपलोड हो जाएगा। जैसे मान लो सेशन में 10:30 खत्म कर रहा हूँ, तो आप 11:30 बजे वापस इस सेशन के लिंक पे क्लिक करना, वीडियो प्ले का भी ऑप्शन आएगा और पीडीएफ डाउनलोड का भी ऑप्शन आएगा, विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों, ठीक है? तो आप विद एनोटेशन डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है? सब कैटेगरी वन में रखूंगा कंचन में, बाद में लगा तो कैटेगरी टू भी उठा लूंगा मैं, बट कैटेगरी वन पे मेरा मेन फोकस रहेगा। कुछ टेस्ट में कैटेगरी टू भी रख लूंगा मैं, दिख जाएगा ऑप्शन मोदी डाउनलोड का साइड में ऑप्शन दिख जाएगा। तो नाम मोदी लिख दे तो बोलते हुए भी वैसा लगता है कि यार। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ट्राई करना। एवरीडे तो नहीं कर पाऊंगा संस्कृति में, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करना बनाने में भी टाइम लग जाता है। ऑल्टरनेट कोशिश करूंगा कि वीक में 3 बार तो रखूं मैं कम से कम टेस्ट। देखो इसको या छोड़ो, हिंट नहीं दूंगा मैं, लास्ट में बताऊंगा मैं, वरना क्वेश्चन का मजा खराब हो जाएगा। आप लोग ट्राई करो। बस दो चीजें ध्यान रखना यार जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, दैट इज थोड़ा पेशेंस रखना, स्टार्टिंग में खुद को जज मत करना। हो सकता है कि आपके सिर्फ आज के टेस्ट में उम्मीद करके आओ कि 8-9 कर दूंगा, पर 2-3 ही हो पाए, तो जज मत करना, ठीक है? बस सब्र करना, बने रहना, तीसरे चौथे टेस्ट में अपने आप इंप्रूवमेंट दिख जाएगी, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखना बस। कोई बात नहीं शिवम, जाएंगे आराम से, बस पार्टिसिपेटर रहो, फोकस करो, ठीक है? सॉल्व करने पे ध्यान दो। अगर आपने आंसर किया और वो आंसर गलत हो चुका है तो देखो कहाँ गलती की है, खाली मत बैठो, ठीक है? अभी भी 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड देखो कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखी है, एरर देखो कहाँ पर है। ज्यादा दुखी नहीं होना, कैट का एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है? टेस्ट है। सिर्फ 15% बच्चों के आंसर है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बोल सकते हैं। अगर सिर्फ 15% बच्चों ने आंसर किया है तो इसका मतलब, अब चाहे ये मुझे कितना आसान क्यों ना लगे, पर क्योंकि सिर्फ 15% बच्चों ने आंसर किया इसलिए डिफिकल्ट कहेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा तरीके से बता देता हूँ। ये 2 × 3 का स्क्वायर है, ये 8 × का साइन है, एक्स नहीं है ये, ठीक है? 4 का स्क्वायर +14 × 5 का स्क्वायर, ठीक है ना? और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, अध्याशा आपने क्या बोला सर, आप मुझे प्लीज SICI की क्वेश्चन भेज दो। ठीक है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं कराऊंगा लेकिन लास्ट में, पहले आप कर लो, परफॉर्म कर लो अच्छे से। भाविता ये मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आज मैं बस देखना चाह रहा था कि क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का, एक्साइटेड कहीं पता लगे, एक होता ना कि मैं एफर्ट भी करूं बट एटलीस्ट वो यूज तो निकले बच्चों का। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप सब, मैंने उम्मीद की थी शायद 100-150 बच्चे आएंगे बस टेस्ट में, ज्यादा कोई नहीं आएगा टेस्ट के नाम पे, लेकिन काफी बच्चे आए हैं तो अब मैं थोड़ा इसको सीरियस लेते हुए, ठीक है, वीक में 3 टेस्ट रखूंगा आप लोग के, क्योंकि मेन होता है एफर्ट करें बट सामने से रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए, बट रिस्पॉन्स है आप सबका मतलब नीड है इस चीज की। तो वीक में 3 टेस्ट मैं रखूंगा, जैसा भी होगा टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, ठीक है ना? पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, नोट कर, अगर पोल नहीं आया तो अपना आंसर नोट कर लो साइड में, ठीक है ना? लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो एक नंबर बढ़ा देना अपने,
सब बता दूंगा सुबह में एक बार देख के। देखो इसको रखने का मेन पर्पस ये भी है क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट में बहुत बेतुके क्वेश्चन डाल देते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेन यू नो कैटेगरी वन के हमारे चैप्टर है उनमें मैं परफेक्ट करूं और फिर उसमें जो लेकिन एग्जाम के लेवल के हिसाब से डिफिकल्ट, बेतुके डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट के नाम पे ये नहीं कि कुछ भी बेतुके उठा के डाल दिए कि जाके अलजबरा के डिफिकल्ट क्वेश्चन देने तो गूगल पे सर्च कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस और वहां से कोई क्वेश्चन उठा के कैट वालों को दे दूं, ये बेतुकी चीजें नहीं। ठीक है चलो इसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसके लिए मैं 2.5 मिनट दे रहा हूँ, कोई तुक्केबाजी नहीं करेगा, पूरा दिमाग लगाना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये। ठीक है तरीके से सॉल्व करना, अनडाउटेडली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2.5 मिनट दे रहा हूं, तरीके से सॉल्व करना, दिमाग लगाना कैसे सॉल्व होगा। और प्रोसेस पे अभी कुछ बच्चों ने ऑब्वियसली ऑप्शन के थ्रू आइडिया लगा के आंसर कर दिया होगा 5-10 सेकंड में, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जिनके भी 5-10 सेकंड में आंसर आए हैं, ठीक है थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है फिर आपने ऑप्शन से आइडिया लगाया होगा, तो अब जरा एक बार प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व करो। ठीक है एक बार प्रोसेस के साथ भी सॉल्व करो, 2 मिनट है ना तो 2 मिनट खाली नहीं बैठना है, एक बार प्रोसेस के साथ सॉल्व करो इसे। कोई नहीं तनिष्का इसमें पार्टिसिपेटेड रहो, जैसे अगर आप भूल जा रहे हो आप ये रखो यार सबने 12 चैप्टर बोले हैं, अब जो सर का अगला टेस्ट होगा ना जो परसों ही रखेंगे तो एक काम करती हूँ 12 नहीं लेकिन उसमें से 3-4 चैप्टर ना अच्छे से अपने नोट्स वोट्स रिवाइज करके आती हूँ। ठीक है ऐसे वाला माइंडसेट रखो, ठीक है कि सारा शायद मैं ना कर पाऊँ तो इसलिए ऐसे रखो कि यार परसों ये टेस्ट रखेंगे तो एक काम करती हूँ 3-4 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ परसों के टेस्ट के लिए, देखती हूँ कि वो तो करेक्ट होंगे मेरे, तो ऐसे ऐसे करके 12 चैप्टर है, अगर आप हर चैप्टर हर ऑल्टरनेट डेज पे है और उसमें अगर आप 3-3, 4-4 चैप्टर पे भी परफेक्शन बना लोगे तो विद इन 10 दिन आप अपने इन ये जो 12 मेन चैप्टर उन पे परफेक्शन ले आओगे। ठीक है ना वो सीधा होता है ना। रहेगी आरजे रहेगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, 1 घंटे बाद सेशन अपलोड हो जाता है पीडीएफ के साथ। ठीक है ऑप्शन आएगा वीडियो प्ले करने का और साइड में 3 डॉट होंगे मतलब पीडीएफ को विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन डाउनलोड करो। ठीक है तो पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होगा विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन और सेशन प्ले करने का भी ऑप्शन होगा। ठीक है इसीलिए मैंने टेस्ट यहाँ पे रखे हैं ऐप के ऊपर, एक तो पोल वोल होता है ना कॉम्पिटेटिव माहौल रहता है और यूट्यूब पे कई बार ना वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला क्राउड आ जाता है। हालांकि एक डिस्ट्रैक्ट करने वाला क्राउड मेरे घर में ही है। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है इसको ट्राई करना आप लोग। चल 27% बच्चे बढ़िया।
उस पे ध्यान मत दो, जो 5-5 सेकंड में आंसर कर रहे हैं वहां ध्यान फोकस मत करो, होगा कोई रीजन जिसकी वजह से कर रहे होंगे, अपने अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है ना। इस पे नहीं ध्यान देना कि कोई बच्चा 10 सेकंड में आंसर कर रहा है, कोई 1 मिनट में कर रहा है, नहीं, अपने पे फोकस करो बस, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि मान लेते हैं क्वेश्चन दिया और क्या पता उस बच्चे ने आज ही ये क्वेश्चन ट्राई किया हो, ऐसा ही किया हो, ज्योमेट्री में मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रखा, क्या पता उसे डायरेक्ट रिजल्ट याद आ गया हो तो उसने टिक लगा दिया, ये सब रीजन हो सकते हैं। इसको ट्राई करो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं टीटा फॉर्म में रख रहा हूँ, तो पहले मैं आपके लिए एक 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपके लिए 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ विदाउट ऑप्शन, ठीक। चैट में किसी को आंसर नहीं लिखना, सुन लेना, टीटा फॉर्म में क्वेश्चन है, चैट में किसी को आंसर नहीं लिखना है। 2 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइमर एंड हो, फिर मैं 15 सेकंड का टाइमर लगाऊंगा ऑप्शन लिख के, ठीक है, ताकि जो भी टीटा में आपका आंसर है वो आप उसको मेंशन कर पाओ। एक काम करता हूँ, रुको, हटा दो, मैं अपने एंड से 2 मिनट काउंट कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इससे ना हमारा एंड का रिजल्ट खराब हो जाएगा, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो मैं अपने एंड से 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं पोल सिर्फ 15 सेकंड का क्रिएट करूंगा। ओके, 50 सेकंड बचे हैं। चैट में कोई मत लिखना, ठीक है, अभी मैं 15 सेकंड का पोल क्रिएट करूंगा, ठीक है जी। 25 सेकंड बचे हैं आपके पास। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। बिल्कुल मिलेगी साक्षी, करना साक्षी सिंपल सा वही है कि सेशन एंड होगा, ठीक है, 1 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। क्या करना है, 1 घंटे बाद जैसे मैं सेशन एंड करूंगा, मान लो 10:30 मैंने सेशन एंड किया, 1 घंटे बाद आप सेशन के लिंक पे दोबारा क्लिक करना, आप वीडियो पे आ जाओगे, ठीक है। वीडियो प्ले करने का ऑप्शन आएगा और साइड में 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करना तो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको विद एनोटेशन डाउनलोड करनी है, विदाउट एनोटेशन वो आपकी मर्जी, विदा से डाउनलोड कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है भावेश, फिर मैं सोल्यूशन कराता हूँ। ठीक है भाई, टाइमर के लगा भी हर 1.5 मिनट पे टैट टैट लगा पड़ा है, चलो छोड़ो। ओके, 14%, यानी बच्चों ने शो कर दिया कि सर एवरेज में बहुत दिक्कत है, सर हमें एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं हम डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी आप लोगों ने शो किया एवरेज का क्वेश्चन देखते ही। हाँ, ऐसा होता है क्या कि एवरेज देखते ही कि अरे सर ये क्या। कोई बात नहीं यार कल्पेश, कोई बात, देखो मैं आप लोगों का कोई दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं बेटा पढ़ो ये, ना ना, पहला टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना। टेस्ट नंबर 2 होगा, थोड़ा प्रिपेयर करके आना। मैंने 12 चैप्टर दिए हैं, आप 12 के 12 नहीं कर सकते, कोई 4-5 चैप्टर अभी मैं बात करता हूँ, सेशन एंड होने दो, फिर 2-4 बातें समझाता हूँ मैं, ठीक है।
23%। हाँ मतलब वही बात है, क्या नाम है शिखर, कि अगर आपको टॉपिक पे पकड़ अच्छी है, ऐप वही चाहिए यार, इसी लेवल पे पकड़ चाहिए कि बस किसी को डिफिकल्ट लगे पर हम फटाफट से आसान करते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, टीटा फॉर्म में है क्वेश्चन, टीटा फॉर्म में। पहले 2 मिनट आप लोग ट्राई करो, फिर मैं लास्ट में 15 सेकंड में पोल वोल करूंगा। फटाफट से ट्राई करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन टीटा फॉर्म में मैं बताता हूँ अध्यक्षा, मैं बताता हूँ, थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि देखो यार इसको बिल्कुल सीरियस लेना है इस टेस्ट सीरीज को, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यार अच्छे से अगर आपने इस टेस्ट में होने वाले हर एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया, पार्टिसिपेटेड रहे, इंप्रूवमेंट दिखेगी, राइट। तो थोड़ा सा चीजों पर प्रिपेयर रहना, और बाकी चैप्टर भी पढ़ने ध्यान रखना, ठीक है। बस मैं कैटेगरी वन में आपकी परफेक्शन चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कैटेगरी टू थ्री को नहीं पढ़ोगे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। एक मिनट हो चुका है, कल्पेश कुछ नहीं यार, वहां पर बेसिकली मैं ही समझा देता हूँ क्वेश्चन ना, तो वो फिर रहती नहीं वो चीज, राइट ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, डीकोड मैं ही करा दे रहा हूँ। हाँ इसका पोल होगा, अभी रुक जाओ, 45 सेकंड और बचे, उसके बाद 15 सेकंड का पोल करूंगा मैं। टीटा फॉर्म में रखा है क्वेश्चन, चलो इसका आंसर क्या है, 70 लगभग, अरे ये तो बड़ी तेजी से क्या कर रहे हो यार, मैं खुश हो गया, 70 80% पहुंचा, फिर तुरंत 53 हो गया। चलो अब देखो सर, ये था आपका 11 क्वेश्चन का टेस्ट, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने जिनके शायद एक भी करेक्ट ना हुए हो सकता है किसी के एक दो हुए हो, राइट, ठीक है। मैंने क्या बोला, परेशान नहीं होना है, डन। क्या करना है अब आपको, थोड़ा सा इसमें देखना है कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, डन। आप क्या करो, यहाँ पर जैसे टाइमर है, 2-2 मिनट में दे रहा हूँ, समझो मैं चाहूं तो आपको 3-3, 4-4 मिनट भी दे सकता हूं, लेकिन नहीं यार, अपने को थोड़ा सा फोकस करना है। देखो क्या करना है, अब ये मैंने कितने चैप्टर आपके लिए रखे हैं, दैट इज सर टोटल 12 चैप्टर मैंने आपके लिए रख रखे हैं, ठीक है, 12 चैप्टर थे। अब 12 चैप्टर में थोड़ा सा टाइमर भी, चलो ठीक है, अभी मैं 2-2.5 मिनट का दे रहा था, ठीक है, नेक्स्ट में मैं उसको 2.5 मिनट भी करूंगा, बढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइमर कितने बच्चे मानते हैं कि सर एटलीस्ट 2.5 मिनट का टाइम दो आप हर क्वेश्चन में, 2.5 मिनट कर दूं मैं, कि सर 11 क्वेश्चन है सर, 2.5 के साथ एटलीस्ट 2.5 तो दो सर, है ना। चलो नेक्स्ट टेस्ट से मैं आपको 2.5 मिनट दूंगा, ठीक, क्योंकि 2.5 मिनट दिए जा सकते हैं, सही है, 2.5 मिनट ठीक रहेगा। हाँ मतलब 3 से ऊपर मिनट नहीं, 3 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो आप क्या करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने अगला टेस्ट परसों रखा, जैसे आज क्या है, आई गेस ट्यूजडे है, अगला टेस्ट इमेज ऐसी मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने थर्सडे को आपका अगला टेस्ट रख दिया, थर्सडे को, तो आपने क्या करना है, इनमें से टोटल 12 चैप्टर है, कोई भी 3-4 चैप्टर पकड़ो जिनपे परफेक्शन के साथ आना, मतलब पूरा उस पे, अभी मतलब कल परसों उसके ऊपर थोड़ा काम करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी 4 चैप्टर पकड़ लेना, डायमंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, जो आपको ठीक लगे, लीनियर इक्वेशन कर लिया या आपने सीक्वेंस सीरीज कर लिया, ऐसे कोई भी 4-5 चैप्टर, 12 में से 4-5 तो कर ही सकते हो, 3 कर लो, ठीक है। आप ये समझ लो कि यार सर ने बोला कि ये ओवरऑल 12 से 15 टेस्ट रखेंगे, इनके 5 टेस्ट तक में ना मैंने हर चीज को परफेक्शन के साथ अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स वोट्स पीवाईक्यू वगैरह सब अच्छे से रिवाइज करके आने, बात क्लियर है सभी को, राइट। और दूसरा खुद को जज मत करना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी मैं एक रखता था टेस्ट, बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके स्टार्टिंग में 0 करेक्ट हो रहे थे, बस एक ही करेक्ट हो पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो टेस्ट में बने रहे वो धीरे धीरे अपने आप ही 6-7 पर भी आ गए, मतलब 11 में से वो 6 करेक्ट करने लगे, 11 में से 7 करेक्ट करने लगे, क्लियर है बात मैं क्या कहना चाहूँ। तान्या डन है, 0 स्कोर है, परेशान नहीं होना है, बात पकड़ में आ गई होगी।
अब देख लेते हैं सर ओवरऑल, एक बार लीडर बोर्ड में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो लीडर बोर्ड कुछ इस तरीके से है, आयुष के 9 करेक्ट है, जैन के 8, ज्योति 7 और बाकी ये कुछ है, बाकी शायद आपको भी आपके रैंक दिख गई होगी, ठीक है। तो ये आपके सामने रिजल्ट है, लेकिन अगेन मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि एक चीज को बस ध्यान रखना, आपका रिजल्ट बुरा आया कोई बात नहीं, बस जज मत करना खुद को, थोड़े पेशेंस रखना, सॉल्यूशन समझना। अब मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपको फटाफट से सॉल्व करवा रहा हूँ, तो एक बार फटाफट से सॉल्यूशन देखो, अच्छे से समझो। और मैंने क्या बोला, एकदम से परेशान नहीं होना है, ट्रस्ट मी, जैसे जैसे तीसरे चौथे पांचवें मॉक टेस्ट पे आओगे इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़े काम करने पड़ेंगे। काम कैसे करने पड़ेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर 12 चैप्टर दिए ना, तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना, कम से कम 3 से 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके आना, ठीक है ना। ऐसे रखना कि यार जैसे ये चौथे पांचवें मॉक टेस्ट पे पहुंचेंगे ना, मैं सारे चैप्टर को अपनी परफेक्शन पे लेकर आऊंगा, राइट। आज पहला टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट में किसी की परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशन जितनी अच्छी नहीं जाती, ठीक है। आयुष या जैन या एक दो बच्चे जो 9 या 8 करेक्ट कर गए, अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग इस चीज का ध्यान रखना, राइट। चलो अब आ जाएं सर सॉल्यूशन पे बात करें फटाफट से, यस और नो, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, बाकी संडे को आपका AIMT एक और होने वाला है, पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है ना। ये आपका एक और AIMT होने वाला है 22 अक्टूबर को 12:30 बजे। अब मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। देखो सर, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन था मैंने क्या बोला था, मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की नॉलेज सभी बच्चों को है, तो सर यहाँ पे इसको पहले तो log x को आप एक वेरिएबल बोलो, इसको तो पहले आप एक वेरिएबल बोलो, ठीक है ना, कि एक वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड वेरिएबल, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, तो डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड वेरिएबल, एक गली उसमें हाउस नंबर 5 उसका, ठीक है, ये v हो गया। और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 15 एंड v, तो यहाँ पर हो गया 15। अब आपको v नाम का वेरिएबल इस पूरी नंबर लाइन पे कहीं भी रखना है, सबको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड v, डिस्टेंस बिटवीन 15 एंड v, और जो दोनों का टोटल डिस्टेंस है वो 9 से कम होना चाहिए। अब सर जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में गैप देखो कितने का है, सर इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो कितने का है, इन दोनों के बीच में गैप है 10 का, इन दोनों के बीच में गैप 10 का है। क्या आप जो v है उसको 15 के राइट साइड में रख सकते हो? नहीं सर, रख के देखो। अगर आपने 15 को यहां रख दिया, तो 15 से 15 का डिस्टेंस और 15 से 5 का डिस्टेंस जाहिर सी बात है कि 10 से ऊपर होगा। क्या आप v को यहां रख सकते हो? तो सर v से 5 का डिस्टेंस और v से 15 का डिस्टेंस जाहिर सी बात है 10 से ऊपर होगा। क्या आप v को बीच में रख सकते हो कि 5 यहां पर है 15 यहां पर है, और आप v को बीच में डाल सकते हो? सर अगर मैं v का डिस्टेंस 5 से देखूं, मान लो a है, और v का डिस्टेंस मैं 15 से देखूं, मान लो b है, तो सर a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। मतलब सर 9 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, मतलब नो सॉल्यूशन। बात आई पकड़ में, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। समझ गए बात, यस और नो? यामिनी, अश्मित जो भी हैं, दीप वगैरह, रैंक फिर से शो कर दूं, ये रही मतलब रैंक विजिबल टू दिस दैट। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है प्रदीप। तो एक काम करते हैं, अगर किसी बच्चे को ये रहता है, ठीक है, कि सर इसको एक्सप्लेन कर दो दोबारा, तो मैं लास्ट में भी कर दूंगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला की नॉलेज अगर आप सबका, तो आप बड़े आराम से इसका आंसर बता सकते थे। एक बार आराम से बता दूं इसका आंसर, सुन लो। यहां पर मैंने आपको ये बोला, आप सबको ये पता है ना कि सर अगर मॉड के अंदर लिखा होता है एक्स माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये बात पता है सभी को ना, इसका मतलब यही होता है, राइट। अच्छा, अब अगर यहां पर मैंने लिखा है 5 माइनस log x लिख रखा है, तो 5 माइनस log x क्या है सर, एक वेरिएबल है। log x क्या है, एक वेरिएबल है, अभी फिलहाल v बोल दो। अब यहां पर अगर लिखा है मॉड में 5 माइनस वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस, ये जो लिखा है मैंने मॉड में 5 माइनस वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, log x, अभी फिलहाल v बोल देते हैं इसको। तो सर ये है डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड v। तो अगर आप एक गली इमेजिन करो, जैसे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में सिखाया कि ये गली है, उसमें हाउस नंबर 5 है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन हाउस नंबर 5 और ये जो v नाम का घर है आपका, ये v से 5 का डिस्टेंस, और यहां पर एक हाउस नंबर 15 है। अब आप सोचो, ये एक गली है, इसमें ये रहा हाउस नंबर 5, ये रहा हाउस नंबर 15। अब आपको यहां पर v लेना है, v आप कहीं भी ले सकते हो, आप v को 15 के राइट में ले सकते हो, v को 5 के लेफ्ट में ले सकते हो, v को इनके बीच में ले सकते हो। अगर इमेजिन करो कि आपने v को इसके राइट में मतलब यहां रख दिया, तो डिस्टेंस कितना आएगा भाई, देखो 5 से लेकर के 15 तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप v से 5 तक का डिस्टेंस देखोगे और v से 15 का डिस्टेंस देखोगे, तो आंसर 10 से बड़ा होगा, यस और नो? आंसर 10 से ऊपर ही होगा,
मैं प्रोसेस से भी बता दूंगा लेकिन लास्ट में, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से समझते हैं, ठीक है? ये बात पकड़ में आई सभी के? ध्यान दो, बड़ा इजी होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कुछ खास नहीं है। मानते सभी बच्चे कि सर वी को आप 15 के राइट में नहीं रख सकते, क्या मैं वी को 5 के लेफ्ट में, क्या इसके यहां घर ले सकता हूं? सर वी से 5 का जो भी डिस्टेंस है, लेकिन जब आप वी से 15 का डिस्टेंस देखोगे तो आंसर ऑब्वियसली 10 से ऊपर आएगा, तो सर ये भी गलत है। क्या मैं वी को 5 और 15 के बीच में रख सकता हूं? क्या मैं वी को इनके बीच में कहीं रख सकता हूं? अगर मान लो मैंने इनके बीच में कहीं पर भी रख दिया, यहां पर वी रखा, तो वी का 5 से डिस्टेंस मान लो ए है और वी का 15 से डिस्टेंस मान लो बी है, तो भैया यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि 5 से 15 का डिस्टेंस 10 है, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस 10 तो होना ही है, मतलब लास्ट टू लास्ट इसका डिस्टेंस 10 हो सकता है, 10 से नीचे नहीं जा सकता, तो आंसर 9 से कम तो होगा ही नहीं, समझ गए बात? इसलिए इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, राइट? लास्ट में मैं इसको मेथड से भी सॉल्व करा दूंगा, समझ आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, अब इसको समझो। यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, एक आर्टिकल है 2800 का और एक बी आर्टिकल है जो है 8400 का। ये क्या दे रखे हैं? इसके कॉस्ट प्राइस, दोनों के कॉस्ट प्राइस है। फर्स्ट वाले आर्टिकल पे आपने एक्स परसेंट प्रॉफिट कमाया और बी आर्टिकल पे कितना है? क्या बी आर्टिकल पे देखो तो डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बताया, पहले मार्क अप परसेंटेज बोली है और फिर डिस्काउंट परसेंटेज बोला है। आप सबको ये याद है, मैं YouTube पे भी करा चुका हूँ, क्लासेस में भी मैं कई बार ये चीज करा चुका हूँ, क्या कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, आपको मार्क अप परसेंटेज बताया गया है, जिसे मान लो मैं एम परसेंट कह देता हूँ, पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, एम परसेंट मतलब मार्कअप परसेंटेज, जो डिस्काउंट परसेंटेज है मान लो मैंने उसको डी परसेंट बोल दिया, तो आप सबको याद है मैंने ऐसे कुछ बोला था कि पी इज इक्वल टू होता है मार्कअप माइनस डिस्काउंट प्लस मार्कअप इनटू माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, याद है सभी को? ए प्लस बी वाला फॉर्मूला ही है, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही तो होता है सक्सेसिव। तो अगर आप मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज को सक्सेसिव वाले मैनर में जब कैलकुलेट करते हो तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट परसेंटेज। क्योंकि अगर कोई आपको कहता है कि मार्कअप है 20%, पहले आपने 20% का मार्कअप किया, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो इस सक्सेसिव के ट्रैक पे तो सॉल्व होगा कि सर अगर कोई चीज 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है तो 100 पे आप 20% बढ़ा दोगे तो सर मार्क प्राइस आ जाएगा 120 का, और फिर सर जब आप इस पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो 120 का 10% 108, ये हो गया सेलिंग प्राइस, तो सर 100 से 108 यानी प्रॉफिट आ गया 8% का। आई बात पकड़ में? तो जब आप मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट को सक्सेसिव मैनर में कैलकुलेट करते हो तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट परसेंटेज आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पता है फॉर्मूला सभी बच्चों को? यस सुनो, कितने बच्चे ऐसे यहाँ पे जो मानते हैं कि हाँ सर ये फॉर्मूला मुझे पता है? पता है ना सबको, करा रखा है मैंने, यूट्यूब पे भी करा और यहाँ पे भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है क्लासेस में। तो अब यहाँ पर आ जाओ, अगर आप देखो तो जो आर्टिकल ए है उस पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया मुझे पता है, आर्टिकल बी पर इनडायरेक्टली मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ क्योंकि मार्कअप है 2x, डिस्काउंट है x, तो मैं इनडायरेक्टली इस पर भी प्रॉफिट निकाल सकता हूँ और इसने मुझे ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, तो क्या क्लिक नहीं हो रहा कि इसमें एलिगेशन लगेगा? ए पे कितना प्रॉफिट, बी पे कितना प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट क्लियरली दिख रहा है। सर ए आर्टिकल पे अगर बात करूं तो आपने प्रॉफिट कितने का कमाया, दैट इज x परसेंट का। सर बी आर्टिकल पे आपने प्रॉफिट कितना कमाया, तो सर मार्कअप कितना 2x, क्या होता है फॉर्मूला, मार्कअप माइनस डिस्काउंट प्लस मार्कअप इनटू माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, तो सर 2x मार्कअप डिस्काउंट x प्लस 2x इनटू माइनस x डिवाइडेड बाय 100, तो कितना बन गया सर ये x, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 2x में से x गया x, सर ये हो जाएगा आपका 2, इसको 50 पे काटेगा, माइनस का x स्क्वायर अपॉन 50, तो सर b आर्टिकल पे मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, x माइनस x स्क्वायर अपॉन में 50%, इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस और नो? अगर मार्कअप है 2x और डिस्काउंट है x, तो कितना बना 2x माइनस x प्लस 2x इनटू माइनस x अपॉन 100, यानी x माइनस x स्क्वायर अपॉन 50, बात आई पकड़ में? ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया, ए पे कितना प्रॉफिट, बी पे कितना प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बीच में आएगा, तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया सर x माइनस 6 आ गया, राइट, x माइनस 6% आ गया। फिर एलिगेशन में आप इधर माइनस करोगे, चैट में बताओ फटाफट, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज पे तो रेशो किसका आएगा, एलिगेशन मैंने लगाया प्रॉफिट परसेंटेज पे तो रेशो किसका आएगा, सर रेशो सीपी का आएगा। क्या सीपी का रेशो आपको नहीं पता? पता है ना कि सर ए आर्टिकल 2800 का है और बी आर्टिकल 8400 का है, तो इनको कैंसिल आउट करोगे, 0000 और 28 1s 28 3s, तो सर जो सीपी का रेशो है वो 1:3 है, ये तो मुझे पता ही है, दोनों के सीपी का रेशो 1:3 है।
अब जब आप x में से x माइनस सिक्स का डिफरेंस देखो, x और x माइनस सिक्स का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, x में से माइनस करोगे x माइनस सिक्स को 6 आएगा, तो यहां पर आ गया 6। अब 3 की वैल्यू कितनी है, यहां पर 6, तो यहां पर कितना आएगा भाई, भाई यहां पर 6 आ रहा है तो यहां पर क्या आएगा कि कैंसिल आउट होने के बाद 1:3 का रेशियो बना, 1:3 का रेशियो बना, क्या होना चाहिए सर, 3 की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, सेम 2 यहां पे कर दो, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब सर जो x है वो x माइनस सिक्स से बड़ा नंबर है, तो ये उससे छोटा होगा x माइनस सिक्स से, है ना, इधर डिफरेंस किया आपने, x जो है वो x माइनस सिक्स से बड़ा है, क्योंकि जो बीच वाला नंबर होता है या ये अगर x माइनस सिक्स से बड़ा है तो ये वाला x माइनस सिक्स से छोटा होगा, तो माइनस कैसे करूंगा, x माइनस सिक्स में से आपने माइनस किया x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 50 को, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, ये माइनस सिक्स उधर जाकर के 8 बन गया, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 50 हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी है ना मैंने, माइनस सिक्स वहां जाकर के 8 हो गया, राइट, और ये x से x भी कैंसिल आउट होगा, x स्क्वायर अपॉन 50, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 400 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो ये आंसर है, तो बहुत प्यारा। अब देखो मैं बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, क्योंकि मेरा ये पॉइंट है कि टेस्ट नहीं, एक तरीके का रिवीजन भी मैं दूं बच्चों को, पकड़ में आ रही है बात, मैं बेतुके डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डालना चाहता जो जिनका एग्जाम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, अगर डिफिकल्ट हो तो एग्जाम लेवल पे हो, ताकि आपको सीख के जाओ, जैसे यहां पर फॉर्मूला सीख लिया आपने, ठीक है, तो सीखने पे फोकस करना, राइट। अगले पे आते हैं, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ये वाला, ठीक है, टाइम एंड वर्क का, इसको बाद में करते हैं, इजी है, इसको लास्ट में कर लेंगे, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो एक बहुत इजी ये वाला पहले खत्म करते हैं। सबको पता है, सबको पता है ये बात कि सर लाइन तीन तरह की होती है, तीन तरह की लाइन होती है, एक होती है कौन सी, फटाफट चैट में बताओ, तीन तरह की है, कौन कौन सी लाइन होती है, अगर आप दो लाइनें ड्रॉ करते हो तो तीन कैटेगरी में होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, एक है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, तो अगर लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर लाइन आपस में पैरेलल है तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर लाइनें कोइंसिडेंट लाइन है, एक होता है ना इंसिडेंट लाइन होती है, तो उसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। लैग हो रहा है क्या, वॉइस क्लियर आ रही है ना, लैग तो नहीं हो रहा। अब यहां पे कहता है क्या कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब कि लाइनें टकरा कितनी बार रही है, भाई इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होती है तो इनका एक सॉल्यूशन होता है, मतलब वन सॉल्यूशन, तो इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन ऐसे होती है, इसका होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, राइट। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक का मतलब है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशियंट, x का कोफिशियंट k है और यहां पर 2 है, तो k अपॉन 2 विल नॉट बी इक्वल टू y के कोफिशियंट जो कि है 2 अपॉन में k, तो मतलब k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, k इज नॉट इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2, तो ज्यादा बेटर क्या है लगाना, क्योंकि स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है, तो सर ये होगा मॉड, मॉडुलस लगा दोगे आप, आई बात पकड़ में, क्या लगा दोगे, मॉडुलस, बात क्लियर है, बिल्कुल अपलोड हो गया अनुषा, समझ आ गई बात सभी को, डन, बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला दिया, कितने बच्चे हैं जिन्हें की सक्सेसिव का ये फॉर्मूला पता है, नहीं नहीं इक्वल नहीं होते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b, ये रहा ना, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है अमन, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिन्हें की सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि सर मुझे सक्सेसिव रिप्लेसमेंट में बताता हूं, इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर होता है, उसके अंदर मान लो पेट्रोल और कैरोसिन मिक्स है, तो पहले मैंने 20% पेट्रोल बाहर निकाला, फिर वापस कैरोसिन डाला, फिर मैंने पेट्रोल निकाला, कैरोसिन डाला, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो आप रिप्लेस किससे कर रहे हो, अगर आप रिप्लेस कर रहे हो मान लो कैरोसिन से, तो फॉर्मूला लगेगा पेट्रोल पे, ये पता है सभी को, फॉर्मूला लगेगा पेट्रोल पे। फॉर्मूला क्या होता है कि फाइनली पेट्रोल कितना है, फाइनल मान लो पेट्रोल पे मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, तो फाइनल पेट्रोल अपॉन में फाइनल टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू शुरुआत में इनिशियली पेट्रोल कितना था अपॉन में इनिशियल टोटल क्वांटिटी
इनटू में के की पावर एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेस, और के का मतलब क्या होता है सर, के का मतलब होता है फ्रैक्शन लेफ्ट, कि आफ्टर अ प्रोसेस कितना फ्रैक्शन बच गया। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मिला था कुछ बच्चों को ऐसा लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो आप लोगों को लगा था कि सर ये डेटा थोड़ा अजीब है, ये डेटा थोड़ा अजीब है लगा था, राइट। पहले मुझे बताओ फटाफट से इसमें फॉर्मूला किस पे लगेगा, शुगर पे लगेगा वाटर पे लगेगा, फॉर्मूला किस पे लगाऊंगा मैं, शुगर या वाटर, शुगर वाटर किस पे लगेगा सर, शुगर पे लगेगा, क्यों शुगर पे लगेगा ना, हाँ क्योंकि आप एड वाटर कर रहे हो ना, अ फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिलीज और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एड किया तो आप प्लेस वाटर से कर रहे हो तो फॉर्मूला शुगर पे लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा, कोई नहीं दोबारा सुन लो, फॉर्मूला शुगर पे लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा कि फाइनली आफ्टर जो भी आपने प्रोसेस किए तो फाइनली शुगर कितनी है अपॉन में फाइनल टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू, शुरुआत में शुगर कितनी थी इनिशियल, इनिशियली शुगर कितनी थी इनिशियल टोटल क्वांटिटी और इनटू में के की पावर एन, के का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन लेफ्ट, मतलब एक प्रोसेस के बाद आफ्टर अ प्रोसेस कितना फ्रैक्शन बच रहा है। अब देखो यहां पर जब आपने प्रोसेस किया, भाई एक 10 लीटर का सिलेंडर है जिसके अंदर वाटर और शुगर है, उसमें 15% शुगर है, फिर आप क्या करते हो मिक्सर बाहर निकालते हो, इक्वल वाटर डालते हो, फिर सेम प्रोसेस दोबारा करते हो, अगर फाइनली शुगर रह गई 10% तो बताओ कि अप्रोक्सी क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर रिलीज्ड ईच टाइम, आप हर बार कितना मिक्सचर रिलीज कर रहे हो ये आपको बताना है। तो यहां पर है कि फाइनली शुगर कितनी बची सर, फाइनली शुगर बची 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि सर फाइनली शुगर 1 है आउट ऑफ 10, तो यहां पे फाइनल शुगर अपॉन में फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी 1/10 होगी, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन 1/10। अगर मैं कह रहा हूं फाइनली 10% शुगर बची तो इसका मतलब क्या है कि अगर फाइनली क्वांटिटी 10 है तो उसमें एक शुगर है तो इसलिए 1/10 आएगा, इज इक्वल टू शुरुआत में शुगर कितनी थी 15%, 15% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन 15/100 यानी कि 3/20, तो शुरुआत में क्वांटिटी 20 थी तो उसमें शुगर थी 3, इनटू में के, के तो आपको पता नहीं भाई, आपको क्या पता आप कितना बाहर निकाल रहे हो कि कितना मिक्सर बाहर निकाल के कितना पानी डाला, ये तो नहीं पता, तो के को के रहने दो। प्रोसेस कितनी बार किया सर, प्रोसेस 2 बार किया मैंने, 2 बार प्रोसेस है ना, तो यहां पे स्क्वायर आएगा, क्या ये बात क्लियर है सभी को। अब यहां पे कैंसिल आउट कर लो सर, ये 10 इसे कैंसिल आउट करेगा 2 पे, तो सर k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 2/3 आ रही है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी सर, √2/√3 आएगी। अब ये जो लिख रहा हूं ना ये है फ्रैक्शन लेफ्ट, कि आप जब आपने पहला प्रोसेस किया था पहला प्रोसेस करने के बाद कितना फ्रैक्शन बचा, राइट। तो यहां पे क्या होगा ध्यान से समझना, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है लेफ्ट की कितना बचा, और ये किस चीज को डिनोट करता है टोटल क्वांटिटी को, तो इसका मतलब आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, रिप्लेस कितना कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, अगर टोटल क्वांटिटी है √3 उसमें बचा √2 तो रिप्लेस कितना किया आपने, तो सर मैंने रिप्लेस किया √3 - √2, राइट। एक बार फटाफट चैट में बताओ आप सबको √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है, सबको √3 और √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना चाहता हूं मैं, कितने बच्चों को बता, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, √3 की 1.732, बढ़िया, और √2 की, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.41, परफेक्ट। हमें एक रफ आइडिया लेना है, हमें एक रफ आइडिया लेना है, इसमें कैलकुलेटर यूज कर लेना। अब मुझे ये तो पता है कि शुरुआत में क्वांटिटी 10 लीटर थी, मतलब मुझे √3 की वैल्यू पता है, मुझे शुरुआत की क्वांटिटी तो पता है ना 10 लीटर, अब √3 क्योंकि शुरुआत में जो क्वांटिटी है वो √3 है, √3 का मतलब होता है 1.73, और मैं रिप्लेस कितना कर रहा हूं, तो सर आप रिप्लेस कर रहे हो √3 - √2, भाई √3 होता है 1.73 और √2 होता है 1.41, तो कितना आ जाएगा अंदाजा सर, अंदाजा आ जाएगा 2.3, मतलब 0.32 आ जाएगा अंदाजा 0.32। अब सर 1.73 की वैल्यू 10 लीटर है, कितने पे कनेक्ट हो रहा है, कैलकुलेटर निकालो, क्या करेंगे इधर कोई पंगे नहीं लेने, यहां पर आपको कैलकुलेटर ही निकालना है, डन है। तो यहां पे आपने कैलकुलेटर निकाला, आपने 10 को डिवाइड कर दिया 1.73 से, मेरा अप्रोक्सीमेट आ रहा है 5.78, फिर ये जो भी आंसर आया डिवाइड करने पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.32 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.84 के आसपास आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 2 लीटर आंसर होगा, समझ आए बात। नहीं नहीं लेंथी नहीं है रोशन, मैं कहता हूं रोशन आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की ये शायद ये फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, तो समझाना पड़ता है, अदरवाइज कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है, क्योंकि पता क्या अभी ना एक एक बात बतानी पड़ रही है, अब इसमें कई बच्चे ऐसे
अश्मित है, यश है, मनीष है, उनको ये फॉर्मूले पता है। आप लोग बताओ क्या ये लेंथी हुआ? ये कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था, बस पकड़ में आई बात क्या बोला मैंने। तो यहाँ पे सिंपल है कि सर फाइनली शुगर कितनी है, 10% यानी 1/10। शुरुआत में शुगर कितनी थी, 15%, 3/20। इन टू में क्या आया, के स्क्वायर आया। सर ये इसको 2 पे काटेगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/√3। तो सर टोटल क्वांटिटी कितनी है, √3। तो रिप्लेस कितना कर रहे हैं हम लोग, दैट इज √3 - √2। दिस इज 1.73। ये 1.73 माइनस दिस, यहां पर लिखा, कनेक्ट किया, बात खत्म। ठीक है, डन है बात। बस यहां पे मैंने ही रखा है क्योंकि यूजुअली परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, वेरी गुड, इसलिए मैंने रखा था। आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये फॉर्मूला ध्यान रखना यार आप लोग, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई बच्चा, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो यार, हमें ना इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये सब पता है, तो उनका टाइम ना वेस्ट हो। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि यार सर से ना ये जरा कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करवाऊंगा, तो लास्ट तक रुकना। जब मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो मैं बोलूंगा बाय, तो जिनको जाना होगा, जिनको सब समझ आ गया, वो लीव कर देंगे। और जिनको लगता है कि सर वो वाले क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना, मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता था। अब आप में से अगर कोई बच्चा ऐसे है जिसे कि ये फॉर्मूला ही नहीं पता, तो वो सब्र करना, वो लास्ट में कह देना कि सर वो क्वेश्चन नंबर 3 में जो फॉर्मूला था एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, यस और नो, बात पकड़ में आई? अगर मैं किसी क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट लगा रहा हूं और आपको लगता है कि वो शॉर्टकट के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, तो फिर लास्ट के लिए रुकना। मैं बाकी बच्चों को बाय बोल दूंगा, वो चले जाएंगे ताकि उनका टाइम बचे, और आप लोग मुझे रिपीट करने को कह देना तो मैं रिपीट कर दूंगा, ताकि बाकी बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो जिन्हें फॉर्मूले पता है। फिर बात, यस और नो, हाँ थोड़ा सा सब्र करना, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट मैं ऐसा यूज कर रहा हूं जो आपको नहीं पता। अब सर यहां पर आते हैं, यहां पर ये होती है पैटर्न बेस्ड सीरीज। पता है ना सभी को, 3-4 तरह की सीरीज होती है, एक होती है एपी, जीपी और एक होती है पैटर्न बेस। पैटर्न बेस में सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है। यहां पर आपको ना सीरीज को पकड़ना होगा, मतलब आपको इसको कुछ ऐसा डिफाइन करना है, राइट। मतलब आपने जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल आपका ये कहना है कि सर जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने कोई nth टर्म बोली और मैंने उसको ऐसे बोला कि 2n² + 1। मैंने कहा एक nth टर्म है जो ऐसे है, तो इसका मतलब पता है क्या है? अगर मैं n की जगह 1 लिखूं तो 1 लिखने पे क्या आएगा, दैट इज 2 × 1² + 1, यानी आंसर कितना है आपका, दैट इज 3 आ गया। मैं n की जगह लिखूं तो कितना आ जाएगा सर, 2 × 2² + 1, यानी कि 9 आ गया, राइट। अगर मैं n की जगह 3 लिखूं, 3² 9 × 2 = 18 और 1 = 19 है ना, 2 × 3² + 1 यानी कि 19। तो इस ये जो an की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसकी वजह से सीरीज क्या बन रही है, 3, 9, 19, ये सीरीज बन रही है। तो इस सीरीज की जो टर्म है उसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, 2n² + 1, राइट है, पकड़ में आई बात, कि मैंने आपके सामने nth टर्म को डिफाइन किया, उसके बेसिस पे सीरीज लिखी। तो मैं कह सकता हूं कि इस सीरीज को, कि भाई सीरीज में जो नंबर है वो किस बेसिस पे आ रहे हैं, क्या परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हो, क्या परफेक्ट क्यूब लिख रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर रहे हो, ये सोचना पड़ता है और यहां बच्चा फंस जाता है। हालांकि मुझे लगता है चीज आप जज कर पाओगे, करें, फोकस करें। देखो यहां पर ना आपको टर्म को डिफाइन करना है, पहले तो क्या आप स्क्वायर को पकड़ लोगे, सर पहले 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, यानी सर जो पहली टर्म है ना उसमें 3 का स्क्वायर लिखा है, दूसरी टर्म में 4 का स्क्वायर लिखा है, तीसरी टर्म में 5 का स्क्वायर लिखा है। तो जरा कुछ बनाना, ऐसा कुछ बनाओ यहाँ पे, कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं उसमें लिखूं वन तो आए 3 का स्क्वायर, जब मैं लिखूं 1 तो आए 3 का स्क्वायर। बताओ क्या करोगे इसके लिए? अगर मैं उसमें 1 लिखूं तो आए 3 का स्क्वायर, 2 लिखूं तो 4 का स्क्वायर, 3 लिखूं तो 5 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि सर n+2 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, यस और नो? सर n+2 का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि सर जब आप n की जगह 1 डालोगे तो 1+2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 डालोगे तो 2+2 यानी 4 का स्क्वायर, 3 डालोगे तो 3 और 2 = 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको अपन ने डीकोड कर लिया, ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको हमने डीकोड कर लिया, यस। अब डीकोड करना क्या रह गया, कि ये 2, 8 और 14 इसको कैसे लिखें, ये जो 2, 8, 14 इसको कैसे लिखें। एक मैं हिंट देता हूं, अगर आपको 2, 8, 14 को ब्रेक करना है, इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है, सर इनके बीच में 6 का गैप चल रहा है, तो 6 के मल्टीपल पे रिलेट करो इसको, 6 के मल्टीपल पे रिलेट करो 6 के टेबल से। ये 6 के टेबल में अगर मैं मान लो 6 का टेबल रीड करता हूं, जैसे मैंने लिखा 2, 8, 14, 20, मैंने देखा सब में 6 का गैप है, 6 का गैप है तो 6 का टेबल लिखो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, और फिर देखो कि 2 बनाने के लिए माइनस चार करना होगा। आई बात पकड़ में? अगर सब में गैप सेम है, 6 का गैप है, तो 6 के टेबल से देखो क्या चल रहा है, 6 के टेबल के हिसाब से। तो सर 6 का टेबल के हिसाब से अगर मैं लिखता हूं, पहले वाले को 6 लिखता हूं तो 4 कम है, 6 × 2 = 12 से 4 कम है, 6 × 3 = 18 से 4 कम है, यानी सर 6n - 4। अगर आपने ये लिख लिया ना, बस क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपने nth टर्म को डिफाइन कर दिया,
nth टर्म मैंने कैसे डिफाइन करी, समझ आ गई सभी को बच्चों को ये बात? डन है, ठीक है? किसी को रिवाइज करवाना होगा कॉन्सेप्ट लास्ट में करवा लेना, ताकि बाकी बच्चों का फिलहाल में टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है? समझ आ गया होगा बाकियों को, तो बहुत अच्छी बात है, सुनना बात को। अब हमें क्या करना होता है, अब ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, ये 6n-4 है, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा, ap का होल स्क्वायर, तो सर n स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 2 4n हो गया, ठीक है ना? फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, तो ये कितना हो जाएगा आपका सर, ये थोड़ा सा यार कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट, मतलब कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, नो डाउट, ठीक है? इसके लिए वैसे मुझे ऑनेस्टली बताऊं 3 मिनट देने चाहिए थे कम से कम, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज टाइम टेकिंग है। खैर, 6n को मल्टीप्लाई करूंगा, 6n³ हो जाएगा, इधर करूंगा तो ये 4 था ना, तो 6 4 24n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24n² हो जाएगा, ये माइनस का n है कितना, एक तो मेरा n और 4 एक जैसा लग रहा, रुक जाओ, n और 4 सेम लग रहे हैं, रुक जाओ तरीके से लिखता हूं, 6n-4 है ना, और यहां हो जाएगा a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4 2ab मतलब 4n, ठीक है? फिर इसको डिफाइन करता हूं मैं, यह काम करते हैं इसको सॉल्व, चलो भी कर ही देता हूं तुम्हें, कितना हो जाएगा ये 6n³ हो गया, प्लस 6 4 24n हो गया, प्लस में कितना हो गया 24n² हो गया, माइनस में ये 4n² हो गया, और ये माइनस में 16 हो गया, और ये माइनस में का 16n हो गया, तो सर ये आ गया आपका 6n³ हो गया, और n स्क्वायर पे बात करूं तो सर 20n² है, सर n पे बात करूं तो ये आपका 8n है, ठीक है? और यहां पर सर माइनस का 6, यही बना था, आप सबका एक बार चेक करना यार, ताकि देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया मैंने, ठीक है? सही है, यही बन रहा था, एक बार बताना चैट के थ्रू, बढ़िया। अब यहां पे ना मुझे इसका सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले nth टर्म निकालते हैं, मैंने nth टर्म आपके सामने लिख दी, अब मुझे इसका सम निकालना है, तो सम कैसे निकालूंगा ध्यान देना। अब मैं इसका सम निकालूंगा, जैसे यहां पर मैंने लिखा कि भाई मुझे क्या करना है, इस टर्म का सम बताना है कितना, 9 टर्म्स, यानी 1 से लेकर के 9 तक इसका सम निकालना है। अब ध्यान देना, 6 को एज इट इज लिखो, 6 को 6 रहने दो, फोकस करना, जैसे एक पहले इस पे ध्यान दो, सिर्फ समेशन लिखेंगे क्योंकि ऐड करना है, इस पे ध्यान दो, इसका मतलब है जैसे पहले आप इसमें n की जगह 1 डालोगे, 6 को 6 तो कोफिशिएंट है, उसको साइड कर दो, जब आप n की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1³। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है ना, ये समेशन होता है 1 से 9 तक, और ये लिखा है 6n³, तो 6 को साइड में करो, पहले n की जगह 1 डाला 1³, 2 डाला 2 का क्यूब, 3 डाला 3 का क्यूब, 4 डाला 4 का क्यूब, फिर ऐसे करते कराते लास्ट में कितना आएगा, दैट इज 9 का क्यूब आएगा, राइट है बात, पकड़ में आई सभी को बात? तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता है सभी बच्चों को कि क्यूब्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो n कितना है, लास्ट टर्म 9 है, तो 9 9+1 यानी 10/2 का होल स्क्वायर, डन है, क्लियर, यस और नो? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, तो 1³ से 2, रुक जाओ, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, अगर 1+2+3 से लेकर के n तक आपको ऐड करना होता है, फॉर्मूला होता है n+1/2, अगर आपको स्क्वायर ऐड करने हैं 1² 2² से लेकर के, अगर आपको n के स्क्वायर तक ऐड करना है, फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, अगर आपको क्यूब ऐड करना है 2 का क्यूब से लेकर के n क्यूब तक ऐड करना है, तो सर n+1/2 का होल स्क्वायर, और अगर आपको इवन नंबर आप ऐड करते हो, लाइक आपने 2 4 6 है ना, ऐसे करते करते आपने n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स आपने इवन नंबर ऐड करें, तो फॉर्मूला होता है n+1, और अगर ऑड नंबर ऐड किए, जैसे कि 1 3 5 7 से लेकर के n टाइम्स अगर आप ऑड नंबर ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मूला होता है n² लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर होते हैं, 1 से 100 तक ऑड नंबर कितने होते हैं, सर 1 से 100 तक ऑड नंबर होते हैं 25, तो 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर है उनका सम कितना होगा, सर 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 होगा, समझ गए बात में क्या कहना चाह रहा हूं, ये होते हैं फॉर्मूले। अब क्या होगा ध्यान से सुनना, यहां पर n³ लिखा हुआ है, तो n³ का मतलब क्या हुआ कि सर पहले 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब से 9 का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n की जगह आएगा 9, तो n यानी कि 9, n+1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गई इसकी बात खत्म, सबको समझ आया तो चैट में डन लिख दो। मैंने 6n³ को कैसे सॉल्व किया, क्लियर है बात, ठीक है?
प्लस अब आ जाओ 20 एन स्क्वायर पे। 20 एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? एन स्क्वायर मतलब पहले 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 डालूंगा, 3 का स्क्वायर, 4 डालूंगा, 4 का स्क्वायर, ऐसे 9 डालूंगा, 9 का स्क्वायर। सर एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन यानी कि 9, एन प्लस 1 यानी 9 और 1 10, 2n प्लस 1 यानी 2 9 सा 18 और 1 19, 10n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। क्लियर बात? ये हो गया ये वाला काम डन, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। फिर सर प्लस 8, अब n है यानी 1 2 3 से 9 तक, n का क्या होता है 1 टू n ऐड करते हैं यानी 1 से 9 ऐड करेंगे, n n प्लस 1 बाय 2 यानी 9, 9 into 1 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2। और यहां पे क्या मैं 16 का 16 लिखूंगा? क्या यहां पे 16 का 16 आएगा? नहीं सर। पहले सर जब आप एक बार लिखोगे एक बार 16 आएगा, फिर दोबारा लिखोगे दोबारा 16 आएगा, मतलब अगर आप इस चीज को इस टर्म को 10 बार लिख रहे हो तो 10 बार 16 आएगा, तो आपने 9 बार लिखा तो यहां पर 9 बार 16 आएगा। अब आप यार इसको कैलकुलेट खुद कर लेना, आंसर ये होगा। ये प्योर टाइम टेकिंग क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज। मुझे बस इतना बता दो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत सॉल्व करके पता लग गया कि भाई ये कैलकुलेशन वाइज बड़ा टाइम टेकिंग है। पहले मुझे इतना बता दो कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने इस क्वेश्चन पे 40 सेकंड बिताने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत कैलकुलेशन वाइज बहुत लंबा है क्वेश्चन, राइट? तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं लेना, छोड़ देना है कि भाई लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लेंगे। मतलब अगर आपने nth टर्म लिख दी है पंगे मत लेना, आप इसी की कैलकुलेशन में उलझ के रह जाओगे, ठीक है ना? डन है? तो इसको हमें क्या करना है, छोड़ देना था एग्जाम में क्योंकि ये कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं चाहूंगा आप लोग आराम से समझना। ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक के फंडे बड़े क्लियर करेगा। समझाऊं ये क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनो। देखो इसमें मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट kx स्क्वायर प्लस k माइनस 2x माइनस 2 इज लेस देन 0। देखो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हो, पहले ये बताओ आप किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो? सर सिंपल है कि मैं क्या करता हूं सर, किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त मैं सर पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट। अब जाहिर सी बात है इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना? अब यहां मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ी कर दोगे आप, है ना? तो इसके जो रूट है इसके रूट आपको कैसे निकालने पड़ेंगे, फॉर्मूला, ठीक है ना? हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज माइनस बी, बी क्या है, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट विच इज के माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब के माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी फोर ए मतलब कितना के और सी का मतलब कितना, दैट इज माइनस टू। आई बात पकड़ में सभी के? अपॉन में 2a, 2a मतलब क्या, दैट इज सर 2k। ये होगी आपके x की वैल्यू। पहले आपको x के दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, राइट है? अब यहां पर मैंने क्या, यहां से क्या निकल के आया सर, माइनस k आ गया प्लस में 2 आ गया। और सर ये प्लस माइनस, देखो इस पार्ट को कितने बच्चे जो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे कि सर k माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो सर k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 2 जा 4k, यहां से आएगा प्लस का 8k। सर इसको सॉल्व करोगे ना ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4k। तो कितने बच्चे जो ये कह रहे हैं कि सर इस चीज को मैं जज कर जाऊंगा थोड़ा तेजी से कि ये बेसिकली लिखा हुआ है k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है जो कि रूट काटेगा और यहां पर सीधा सीधा k प्लस 2 आ जाएगा, राइट है जी बात? और अपॉन में क्या चल रहा है 2k, ये आ गया आपका x, डन है? अब क्या करना है आपको, x निकालना है। आप पहले दोनों को ऐड कर लो, तो माइनस k प्लस 2 प्लस k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2k, और एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के प्लस टू, फिर ये माइनस में लेना मतलब कि माइनस के माइनस टू डिवाइडेड बाय टू के। यहां पर क्या होगा सर, के से के कैंसिल आउट होगा, सर यहां से एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, दैट इज टू अपॉन के आ जाएगी, ठीक है? और यहां से एक वैल्यू क्या आएगी मेरी सर, दैट इज टू से टू कटेगा और माइनस वन वैल्यू आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आ गई सर। अब सर ध्यान से सुनो, अब यहां पर एक बात समझना, मेरी पॉइंट को ध्यान से सुनना। अब यहां पर आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस वन और एक आ रहा है आपका टू बाई के, माइनस वन और टू बाई के, ठीक है ना? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, ग्रेटर देन जाएगा। अब देखो बात को सुनना यहां पर, अब इस चीज को ध्यान देना। यहां पर एक पॉइंट देखो, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो क्वाड्रेटिक आपकी आई है, इस ये क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है, ये क्वाड्रेटिक क्या आपकी, दैट इज लेस देन जीरो है। बात को ध्यान से पकड़ना आप जरा, ठीक है ना?
ये क्वाड्रेटिक आपकी कैसे जा रही है, लेस देन जीरो जा रही है। लेस देन जीरो क्या मतलब है, और क्या रहा है, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन लेस देन जीरो, मतलब ऐसा सा कुछ बनेगा, यस और नो, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन है इसके, तो मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे कह रहा है कि इज ट्रू फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल सॉल्यूशंस, डन है, दो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन तो माइनस वन ही आ रहा है, एक अगर आप देखोगे इस पे तो एक तो ये पॉइंट आ रहा है माइनस वन, अगर मैं ग्राफ, ये बात क्लियर है कि ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, क्यों, ग्राफ क्लियर है सभी को, राइट, बढ़िया, रीजन मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है, बाकी ग्राफ इस तरीके से हमारा बनने वाला है, ठीक है, अपवर्ड ग्राफ बनेगा बेसिकली, पर वो लेस देन जीरो मुझे चेक करना है, तो ये मेरा अपवर्ड ग्राफ बना, अपवर्ड ग्राफ बना, अब जो है ये लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब मुझे इधर बात करनी है, मतलब वो पार्ट जो कि इधर की साइड ट्रेवल कर रहा है, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन आया, और इसका एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, दैट इज टू अपॉन के आ रहा है, कितना आ रहा है, टू अपॉन के, अब ये कह रहा है इसके दो इंटीग्रल सोल्यूशन है, इसके दो इंटीग्रल सोल्यूशन है, अच्छा माइनस वन और टू बाई के को तो मुझे लेना ही नहीं है, माइनस वन और टू बाई के को तो मुझे लेना नहीं, बताता हूं तुषार में, माइनस वन टू बाई के को लेना नहीं, क्यों, क्योंकि ये लेस देन है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, इक्वल टू का साइन है नहीं, अब अगर आप देखोगे तो माइनस वन के बाद, जैसे माइनस वन के बाद पहला इंटीजर कौन होगा, माइनस वन के जस्ट बाद पहला इंटीजर कौन होगा, दैट इज जीरो होगा सर, एक तो जीरो होगा, जीरो के बाद अगला इंटीजर क्या आएगा, अगला इंटीजर आपका वन आएगा, और उसका अगला इंटीजर क्या आएगा, उसका अगला इंटीजर टू आएगा, अब अगर वन टू थ्री इसके बीच में आ गए, अब आप सोचो अगर माइनस वन और टू बाय के के बीच में जीरो वन टू आ गए, तो तीन इंटीग्रल वैल्यू होगी ना, जिसपे कि ये लेस देन जीरो है, भाई अगर आप देखो ये लेस देन जीरो जो जा रहा है, ये जो आपका लेस देन जीरो जा रहा है, ये कोई दो वैल्यूज पे जा रहा है, तो माइनस वन के बाद जीरो आएगा, जीरो के बाद वन आएगा, और वन के बाद टू आएगा, तो पक्की बात है जो टू अपॉन के है वो वन और टू के बीच में है। सर ऐसा क्यों सर, यहां नहीं हो सकता क्या, भाई अगर यहां पर हो गया आपका, मतलब टू से आगे अगर चला गया टू अपॉन के, तो ये नेगेटिव तीन वैल्यूज पे हो गया ना, तो ये नेगेटिव जीरो पे हो गया, वन पे हो गया, टू पे हो गया, तीन वैल्यूज पे नेगेटिव हो गया। अगर आप ऐसा सोचो कि सर ये नेगेटिव हो रहा है, माइनस वन पे तो खैर इक्वल नहीं है, अगर आप कहो कि सर देखो एक तो जीरो पे हो रहा है, क्योंकि माइनस वन के बाद आपका इंटीजर जीरो आएगा, उसके बाद वन आएगा, उसके बाद आपका वन आएगा, और आप कहते हो सर यहीं पर टू आएगा और तीन यहां पर आएगा, तो यार ये तो तीन वैल्यूज है ना जिस पर कि ये लेस देन जीरो हो गया, जबकि इसने बोला सिर्फ दो वैल्यूज है जिस पर लेस देन जीरो होगा। आई बात पकड़ में सभी के, यस और नो, पहले इतना बताओ, ठीक है। दूसरी बात, अब एक बच्चे ने ये भी बोला कि सर ओके सुनना, हाँ थोड़ा ट्रिकी मैं बताता हूं इसको, देखो दोबारा एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, यस और नो, ये वाला पार्ट तो सब समझ गए ना कि सर क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को कि सर क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने निकाला है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सुनो, कोई नहीं दोबारा सुनो, मैं बताता हूं। जैसे एक बच्चे ने पहले ये बोला कि सर एक बात बताओ, ये अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा ये कैसे पता लग रहा है, एक चीज सुनो, मैंने बोला कि यार इसके ना दो इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेंगे, आप एक काम करो ध्यान से सुनो, जैसे मैं एक पैराबोला बनाने वाला हूं, अब एक पैराबोला में ना जरा ओरिजिन पे चेक करो, एक काम करो, ये ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन पे चेक करो, एक बार इसमें एक्स की जगह जीरो डालो, एक बार आप ना इसमें एक्स की जगह जीरो डाल के देखो, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक है इसमें एक्स की जगह जीरो डालो, एक्स की जगह जीरो डालोगे तो ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो होगा, कितना आएगा, अगर एक्स की जगह जीरो डालू तो वाई की वैल्यू माइनस टू आएगी, वाई की वैल्यू माइनस टू आएगी, या सुनो, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है ना कि पैराबोला कहां जा रहा है, जीरो डालने पे, मतलब जब डोमेन जीरो कर रहे हो माइनस टू, मतलब यहां पर तो पैराबोला सर ये निकल रहा है आपका इस तरीके से। अब आई बात पकड़ में कि पैराबोला आपका कैसा जा रहा है, क्योंकि जीरो डालने पे माइनस टू आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, तो ये जो पैराबोला है ये इधर की साइड होगा ना कि ऊपर की साइड होगा, अगर मान लो जीरो डालने पे मेरा आंसर टू आ जाता तो मेरा पैराबोला जो होता वो कुछ इस तरीके से मूव करता, क्योंकि भाई ये एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें ये जो मेरा इक्वेशन मुझे दिख रही है, ये जो इक्वेशन दिख रही है इसमें जीरो डालने पे माइनस टू आंसर आ रहा है, एक और बात बताता हूं, जीरो डालने पे आंसर आ रहा है माइनस टू, मतलब सर ये जो पैराबोला है ना एक्स की वैल्यू जीरो डालने पे माइनस टू आ रहा है। अब इस पॉइंट से आपको पैराबोला बनाना है तो आप दो तरह के पैराबोला बना सकते हो, या तो आप पैराबोला ऐसा बनाओगे भाई, या तो पैराबोला ऐसा बनाओगे या आप पैराबोला ऐसा बनाओगे। अब जब ये क्लियरली दिख रहा है कि इस पैराबोला का एक क्रिटिकल पॉइंट तो माइनस वन है, भैया पैराबोला का क्रिटिकल पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, माइनस वन आया ना,
तो इसका मतलब ये पैराबोला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पैराबोला का तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। जो आपका पैराबोला है वो वाई एक्सिस को कहां पे काट रहा है, माइनस टू पे काट रहा है। तो सर माइनस टू पे मेरा पैराबोला अपवर्ड मैनर में भी काट सकता है, डाउनवर्ड में भी काट सकता है। आगे अब आई बात पकड़ में सभी के, कंफ्यूजिंग लगा नहीं, क्लियर हुई बात? देखो ये सब समझनी पड़ेंगी चीजें, इस पे दिमाग लगाओ। अगर ये आपकी पकड़ में आना कि अच्छा ग्राफ ऐसे जाएगा, अच्छा ये अपवर्ड बनेगा, ये ऐसा, यहां पर आप खेल जाओगे सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जिसको ये समझ है ना वो मुश्किल से बहुत जल्दी आंसर कर देता है इन चीजों के। डन है बात, क्लियर? तो मैंने क्या बोला, अगर मैं जीरो डालूंगा, माइनस टू आ रहा है, तो मेरा पैराबोला जीरो कॉमा माइनस टू से पास करेगा, या तो वो अपवर्ड होगा या ये डाउन। हाँ यहां कैलकुलेशन डिफिकल्टी, क्रिटिकल पॉइंट की कैलकुलेशन डिफिकल्टी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको जान के कराई कि क्या पता एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, तो आपने पहले कर रखी हो कैलकुलेशन। ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर पहले ऐसी कैलकुलेशन कर रखी है हमने, तो पहले ये समझ में आ गया कि सर पैराबोला ये वाला होगा। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, वो टेंशन में क्या बोल रहे हो ये सब आप, अभी तो सही बोलते थे आप। मिलवा दो, चला जाए, मिल लेंगे ना, अब चला गया अभी। अच्छा चलो इधर आ जाते हैं। तो ये पैराबोला बनेगा सर आपका, ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया। मुद्दे पे आते हैं, अब यहां पे देखो एक पॉइंट सुनना मेरी बात को। तो माइनस वन है, अब देखो ये लेस देन जीरो है, अब ध्यान से सुनेंगे। तो सर एक क्रिटिकल पॉइंट तो माइनस वन है, और सर एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ रहा है, दैट इज टू अपॉन के आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? दो क्रिटिकल पॉइंट, एक माइनस वन, एक है टू अपॉन के। ये कह रहा है कि दो इंटीग्रल वैल्यू ऐसी हैं जिसपे पैराबोला नेगेटिव है, दो इंटीग्रल वैल्यू ऐसी जिसपे पैराबोला नेगेटिव है, दो इंटीग्रल। तो माइनस वन के बाद अगला इंटीजर कौन होगा? दैट इज सर जीरो होगा। जीरो के बाद अगला इंटीजर कौन होगा? सर वन होगा। उसका अगला इंटीजर कौन होगा? टू होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कोई दो इंटीजर है जिस पर ये नीचे दिख रहा है ना, तो टू जो है वो इस पैराबोला के अंडर नहीं आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस और नो? कि अगर मैं पैराबोला बनाता हूं तो ये कह रहा है दो इंटीजर्स पे ये लेस देन जीरो है, मतलब ये जो लेस देन जीरो ये पार्ट दिख रहा है ये दो इंटीजर्स पर है, ठीक है? तो एक जीरो एक वन है, तो जाहिर सी बात है टू यहां पर होगा, क्योंकि टू के केस में वो अपवर्ड मूव कर गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। आगे समझ में? तो इसका मतलब आपका जो टू अपॉन के है ना, टू अपॉन के वो बिटवीन वन एंड टू है, वो वन और टू बीच में है। फिर आप जब इसका रेसिप्रोकल करोगे, मतलब के अपॉन टू लिखोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे टू अपॉन के इज इक्वल टू दिस है, अब इनके रेसिप्रोकल कर दो, टू अपॉन के का रेसिप्रोकल के अपॉन टू, टू बाय वन का रेसिप्रोकल वन बाय टू, इसका रेसिप्रोकल वन बाय वन, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर कितना आ जाएगा, ये टू उधर जाएगा तो टू से टू कट जाएगा इधर, तो जो के की वैल्यू है वो ये कुछ आ जाएगी, जैसे टू कट जाएगा ना वन, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, तो के की वैल्यू वन और टू के बीच में होगी। आगे समझ में सबको अच्छे से? यस सुनो, आगे बढ़ू मैं? ठीक है सर, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ ये रूट कैलकुलेट करने वाला पार्ट डिफिकल्ट था, बाकी सिर्फ समझ का खेल था, ठीक है ना? तो अगेन ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा टेस्ट नहीं, आपकी प्रैक्टिस करानी है, इन दो बातों को ध्यान में रख के मैंने चीजें रखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बच्चों के डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी, आप सबको याद होगा मैंने ये चीज बोल रखी है आपको, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया, जिन्हें नहीं पता वो ये डायरेक्ट ध्यान रखना, और ट्रायंगल चाहे कोई सा भी हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आपने एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है, कितने बच्चों को याद आ रहा है फॉर्मूला कि सर जो स्क्वायर की साइड है वो हम निकाल सकते हैं? स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर स्क्वायर की जो साइड है वो जिस ट्रायंगल की साइड पे लाई कर रही है वो बेस, और ये हाइट, ट्रायंगल की हाइट। तो ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये पता है सभी बच्चों को फॉर्मूला। और कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर स्क्वायर की साइड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस कौन सा लेना है? बेस ट्रायंगल की वो साइड लेनी है जिसके ऊपर स्क्वायर की साइड लाई कर रही है, ठीक है? डन है? अब इधर आ जाओ, तो यहां पे ठीक है, ठीक है, डन है ना? हाँ चलो अब मैं बता, फटाफट बताता हूं। ये आपका, हाँ मनीष,
सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो गया था शायद। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया था उसका। हाँ ये तो इजीली कैलकुलेट हो गया 2/k-1, इसके बाद ये कांसेप्ट समझ में नहीं आया। अगर हम सिंपलीफाई करेंगे नहीं, सही बात है सही बात है सही बात है। मिडिल टर्म तो क्लियरली दिया। चलो अच्छा है, सही है मनीष, मिडिल टर्म स्प्लिट और इजीली हो रहा था। हाँ ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया शायद उस पे। अरे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना, मेरा ध्यान नहीं गया था उस पे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली हो रहा है, दो टर्म दिख रही है क्लियरली, क्योंकि देखो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर और क्या लिखा है, क्योंकि इसने तो बल्कि फैक्टर हमें खुद ही करके दे रखे हैं, हमें तो फैक्टर भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस टू, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है, टू के, टू के मल्टीप्लाई करने पे टू के लाना है, माइनस करने पे के माइनस टू, तो सीधे सीधे फैक्टर है तो सही, मैं भी टाइम पास कर रहा था। ठीक है, तो कर लेना यार इसको सीधा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वापस आता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे, डिस्कशन करते हैं जो हमारा अगला वाला चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो क्योंकि आपको रेशो निकालना है तो आप ट्रायंगल की कोई भी साइड लेना चाहते हो ले लो। जैसे मान लो आप कहते हो सर एक काम करता हूँ, जो मेरा ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी साइड में ले लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में वन ले लेता हूँ, आप वन ले लो। एक्स लोगे तो यार बाद में सब कुछ एक्स में आएगा, एक्स एक्स कट जाना है। तो इसका बेस कितना हो गया सर, इसका बेस हो गया वन। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला सब पता होना चाहिए सर, फटाफट से सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ नहीं होता सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है रूट थ्री बाय टू ए, उसका एरिया होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, उसमें सर सारे सेंटर कोइंसाइड करते हैं, पूरा एक दिमाग में पूरा पेज खुल जाना चाहिए इक्विलेटरल सुनते ही, जो भी 8-10 पॉइंट है फटाक से सारे पॉइंट खुलने चाहिए। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइट कितनी होगी सर, रूट थ्री बाय टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला था रूट थ्री बाय टू ए, ये मैंने वन ले रखा है तो दैट्स रूट थ्री बाय टू, तो ये इसकी हो गई हाइट। ठीक है, और हाइट कितनी है, रूट थ्री बाय टू है। अब फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी होगी सर, स्क्वायर की साइड होगी बेस इनटू हाइट, बेस है वन, हाइट है ये, बेस इनटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, रूट थ्री बाय टू, नीचे टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, टू से टू कट गया, कितना आ जाएगी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, तो सर स्क्वायर की साइड आ गई दैट इज रूट थ्री अपॉन में टू प्लस रूट थ्री। क्लियर है बात, ये हटा दूं मैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को कि मैंने ट्रायंगल की साइड ली वन तो स्क्वायर की साइड आगे रूट थ्री अपॉन में टू प्लस रूट थ्री, क्योंकि ट्रायंगल की साइड वन है तो हाइट होगी रूट थ्री बाय टू, साइड होती है स्क्वायर की साइड बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। दिक्कत कोई नहीं, सनेश, अश्मित, अमन आगे बढ़े भाई। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या बोला, स्क्वायर के एरिया और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बताओ। स्क्वायर का एरिया क्या होगा सर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी रूट थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। रेशियो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, मतलब कि वन का स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर तीन हो गया, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करना है सर, टू का स्क्वायर चार प्लस रूट थ्री का स्क्वायर तीन प्लस टू ए भी करूंगा फोर रूट थ्री, तो सर ये हो जाएगा सेवन प्लस फोर रूट थ्री। रेशो सर रूट थ्री बाय फोर, सर फोर थ्री जा ट्वेल्व, रेशो सर सेवन रूट थ्री प्लस बारह, यानी ए ऑप्शन। फॉर्मूला याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपने स्क्वायर को डाल दिया, ठीक है, तो बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नाइन पे, एक एक क्वेश्चन मैंने दिया अभी कराता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी है अभी करते हैं, और एक एवरेज का क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, पहले आसान वाला कर लेते हैं। ठीक है सर, रिपीट प्लीज, यादव लास्ट में करा दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला था शायद, फॉर्मूला ना पता आपको, लास्ट में एक बार याद दिलाना मैं करा दूंगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, वही इस क्वेश्चन को मैं सिंपल बोल सकता था, वही वाले जो क्वेश्चन होते हैं राम श्याम टाइप के, कि राम के इतने परसेंट आए, इतने से फेलियर पास हो गया काइंड ऑफ, लेकिन समझ लेते हैं फिलहाल। एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ इन विच द पास परसेंटेज इज फिक्स, उसमें ना पास परसेंटेज फिक्स है, जैसे कुछ एग्जाम होते हैं मान लो कैट है, उसमें कोई फिक्स नहीं है, यू नो हर बार इतने परसेंट पे, मतलब जो सेक्शनल कट ऑफ है वो इतने पे जा रही है, इतने पे जा रही है, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे एक सीटेट होता है, टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें ना फिक्स होता है कि लाइक 200 में से 120 नंबर ही लाने, 120 से ऊपर जितने लोग लाएंगे मतलब सबने सीटेट क्लियर कर दिया है ना, तो कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें फिक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो भी एग्जाम है इसमें फिक्स है। अब अमित का क्या हुआ, अमित ने सबसे पहले 40% स्कोर किया और उस एग्जाम में फेल हो गया। अगली बार अमित ने क्या किया, फिर अमित ने नेक्स्ट ईयर दोबारा अटेम्प्ट दिया और नेक्स्ट ईयर उसने अपने स्कोर को 50% बढ़ाया, लास्ट ईयर उसका स्कोर 40% था, स्कोर ये है 40%, तो जो 50% इंक्रीज होगा वो क्या होगा, 50% ऑफ 40% आप निकालोगे, यानी 50% बोले तो 1/2 ऑफ 40% मतलब 20%,
तो बेसिकली इसने अपने स्कोर को कितना बढ़ा दिया सर, 20% बढ़ा दिया, बोले तो 60% स्कोर हुआ इसका। अगर ये कह रहा है स्कोर को 50% बढ़ा दिया, राइट, तो स्कोर था 40%, तो 40% जो स्कोर है उसका 50% कितना होगा 20, तो मतलब अब कितना हो गया 60% हो गया। लेकिन कितने बच्चे मानते हैं कि सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब एक आम तौर पे बात करें, मतलब ये हटा दो सर एंट्रेंस मैथमेटिकल चीजों को हटा दो, ऐसे बात करें कि रैंडमली कोई भी इंसान इसमें गलती कर सकता है, कि अगर मान लेते हैं किसी का स्कोर 40% आया है और उसे बोला जाएगा कि इसके स्कोर को 50% बढ़ा दो, तो चांसेस है कि वो उसको 90% कर देगा, मानते सभी बच्चे। अगर एक आम तौर पे बात करें, ठीक है, ज्यादा उसमें मैथमेटिशियन ना बने, तो ये बात पकड़ में आ रही है। तो इसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक और बात निकाली गई जिसका नाम है परसेंटेज पॉइंट, ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अगर आपको बोला जा रहा है कि स्कोर को 50% बढ़ा दो, तो जो स्कोर है 40% उसका 50% निकालो, 20% होगा, 20% बढ़ाओ 60%। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं, अगर फिर मैंने उसके बाद क्या बोला, अच्छा 60% में 70 नंबर से फेल हो रहा है, पहले यहां लिख दो 70 नंबर से फेल हुआ, 60% लाया तो 70 नंबर से फेल हुआ। फिर मैंने बोला अगली बार इसका स्कोर 12% बढ़ गया, अगर मैं कह रहा हूं परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा 12% ऐड कर दो, यानी 72%। ठीक है, अब कोई ये मत बोलो अरे ये क्या था, ये कुछ अलग था, अरे मैं कुछ जरूरत नहीं, बहुत ही टुच्चे लेवल की बात है। क्या कि अगर कहीं पर लिखा है सिंपल सा, अगर मैंने कोई परसेंटेज का डेटा लिख रखा है X%, राइट, अगर मैं कहता हूं इसको 50% बढ़ा दो, दिस इंक्रीजेस बाय 50%, तो पहले आप X% का 50% निकालो कि भाई 50% कितना होगा X% का, तो दैट इज X/2% होगा, तो आप क्या करो इसके अंदर प्लस कर दो X/2%, कितना हो जाएगा सर 3X/2% हो जाएगा। अगर मैंने बोला X% को आप 50% बढ़ा दो, इसको 50% बढ़ा दो, तो इसका मतलब है कि X+50% कर दो। बात क्लियर है, बहुत ज्यादा भाव नहीं देना इस स्टेटमेंट को, अगर परसेंटेज पॉइंट बोला है तो सिंपल ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर जब ये 72% नंबर लेकर आया, तब जाकर के लड़का पास हो गया, 14 नंबर से पास हो गया, डन। तो इनडायरेक्टली क्या ये क्वेश्चन वो नहीं है कि श्याम ने एक एग्जाम में 60% स्कोर किया, वो 70 नंबर से फेल हो गया, राम ने 72% स्कोर किया, वो 14 नंबर से पास हो गया, बताओ पास परसेंटेज क्या है। बस बात को घुमा फिरा के बोलने वाली चीज है कि कितना घुमा फिरा के बातों को बोला जा सकता है, बस वो चीज है, राइट। अगर राम श्याम क्वेश्चन लिखता मैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे फटाक से करते, हालांकि अभी भी कई बच्चों ने कर दिया था क्वेश्चन सॉल्व, पर अगर मैं इसमें राम श्याम लिख देता ना कि राम के 60% इतने से फेल हुआ, श्याम के 72% इतने से पास हुआ, तो मैक्सिमम चांसेस हैं, तो मैक्सिमम चांसेस किस बात के हैं कि आप में से सारे बच्चों से ठीक करते, क्योंकि बहुत रटा रटा है क्वेश्चन है। ठीक, चलो सर अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। पता है सबको क्या करना है कि सर ऐसे में डिफरेंस देख लो कि डिफरेंस, ये जो दो डेटा आपको दिख रहे हैं, इन दोनों डेटा में डिफरेंस कितने का है? सर इन दोनों डेटा में डिफरेंस कितने का है, दैट इज एक केस है जहां 60% लाने पे 70 नंबर से फेल हुआ, 72% लाने पे 14 नंबर से पास हुआ, डिफरेंस हो रहा है सर 12% का, डिफरेंस है 12%, 72 और 60% मतलब 12%। अगर एक केस में आप 14 नंबर से पास हो रहे हो और एक बार आप 70 नंबर से फेल हो रहे हो, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? मान लो कोई इंसान लैग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना लैग? अच्छा, तीन चार बच्चों ने लगातार लिखा, एक बार हो रहा है लैग, ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पे सर 12% का फर्क आ रहा है, ठीक है ना, 12% का फर्क आ रहा है। हाँ, और नंबर वाइज कितना आ रहा है, मान लो कि आप एग्जाम में एक्स नंबर लाने पे पास होते, एक्स नंबर लाने पे आप पास हो जाओगे, तो अगर आप 70 नंबर से फेल हो रहे हो, इसका मतलब आपका एग्जाम में स्कोर कितना आया, X-70, और अगली बार आप 14 नंबर से पास हो गए तो स्कोर कितना आया, X+14, दोनों में डिफरेंस निकालो, तो जब दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो XX तो कट जाएगा, कितना डिफरेंस आएगा 84 का, ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, मतलब ये प्लस होगा माइनस होगा। या वैसे ही सोच सकते हो कि सर एक बार मैं कट ऑफ से 70 नंबर पीछे रह गया, एक बार मैं कट ऑफ से 14 नंबर आगे निकल गया, 84, तो 12% का मतलब है 84 नंबर। ठीक, तो 1% का मतलब कितना हुआ सर, 1% का मतलब हुआ 7 नंबर, ये जो भी एग्जाम है इसमें 1% नंबर लाने का मतलब है 7 नंबर लेकर। अब सर सामने वाला क्या पूछ रहा है कि बताओ पास परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट लाने पे आप पास हो जाओगे, तो सर उसके लिए 60% के अंदर आप 70 नंबर ऐड कर दो, तो पता लग जाएगा कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए। अगर पास परसेंटेज चाहिए तो 60% में 70 नंबर ऐड कर दो, तो 60% का 60%, भाई 7 नंबर का मतलब है 1%, तो 70 नंबर का मतलब कितना हुआ, 10%, यस और नो? तो 70% आंसर हो जाएगा भाई, अगर 1% का मतलब है 7 नंबर, तो 70 नंबर का मतलब कितना परसेंट हुआ,
10 टाइम्स कर दिया ना मैंने, 10% हो गया, तो 70% ला के आप पास हो जाओ। क्या ये बात पकड़ में आई सभी बच्चों को? जो बच्चे क्वेश्चंस पे अपनी समझ अच्छी रखते हैं ना, जो बच्चे क्वेश्चंस पे अपनी समझ अच्छी रखते हैं, उन्हें पता है कि सर आपने क्या किया है। सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मीना वाला, ठीक है, आपने थोड़ा सा उसी को ध्यान में रखते हुए एक नया सा स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन दे दिया है। यस और नो? कि सर एक क्वेश्चन है मीना वाला और आपने क्या किया है, उससे थोड़ा सा इंस्पायर होते हुए थोड़ी सी अलग तरह की स्टोरी मेकिंग करके क्वेश्चन बना दिया है, और राइट, इस लेवल पे समझ क्लियर चलनी चाहिए। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर, अगर मैंने पीछे से कोई क्वेश्चन छोड़ रखे, अब लाइन बाय लाइन उनको खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक मैंने ये स्टार्टिंग से सारे कराए ना, मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सर फटाफट से देखते हैं। प्रुथा मैं करूंगा, मैंने कराए तो थे, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। लॉग वाला तीन क्वेश्चन बचे सामने, फटाफट खत्म कर लेते हैं। दो पर्सन है राम और श्याम, जो कि किसी काम को 29 डेज में कर सकते हैं। अगर आपको किसी के भी डेज पता होते हैं तो सबसे पहले आप लोग टोटल वर्क उठाते हो। भाई इंडिविजुअल डेज तो नहीं पता, कंबाइन पता है कि राम और श्याम किसी काम को 29 डेज में करते हैं, तो टोटल वर्क क्या लो फटाफट बता दो। टोटल वर्क मुझे क्या लेना चाहिए? सर 29 ही ले लो, कि टोटल 29 चेयर आपको बनवानी है, आपको टोटल 29 चेयर बनवानी है। अब सर राम और श्याम 29 चेयर 29 डेज में बनाते हैं, तो इसका मतलब सर राम और श्याम का जो वन डे वर्क है, मतलब जो उनकी एफिशिएंसी है, वन डे वर्क जिसे कि हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी लिख देता हूं। तो राम और श्याम की जो एफिशिएंसी है, मतलब कि जो वन डे वर्क है, वो कितना है? दैट इज एक, क्योंकि वो 29 चेयर 29 डेज में बनाते हैं, तो एक की एफिशिएंसी है। अब सर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा ना हमें एक काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल करते हुए ना थोड़ा स्किप करना होता है, ध्यान रखना। देखो जैसे राम क्या करता है, राम टेक रेस्ट ऑफ वन डे आफ्टर वर्किंग फोर डेज। पहले राम चार दिन काम करता है, फिर एक दिन रेस्ट करता है, तो राम ने पांच दिन काम किया, पांच में से चार दिन काम किया। और लेकिन आपको इंडिविजुअली नहीं पता राम कितनी चेयर बनाता है और श्याम कितनी चेयर बनाता है। राम और श्याम का इंडिविजुअल डेटा नहीं पता, कंबाइन पता है, तो हम लोग भी कंबाइन की हेल्प लेंगे। जैसे यहां पर मुझे पता है राम चार दिन काम करके फिर एक दिन का गैप लेता है, और श्याम क्या करता है पांच दिन काम करके फिर एक दिन का गैप लेता है। तो इनकी जो साइकिल है वो कितने दिन की है? सर राम की साइकिल है पांच दिन की, यस और नो? सर यहां पर जो राम की साइकिल है वो पांच दिन की है और श्याम की साइकिल छह दिन की है, कितने बच्चे मानते हैं? यस और नो? मानते सही बच्चे कि राम की साइकिल सर पांच दिन की, इसकी छह दिन की है ना। अभी सर एक काम करो, अभी ना आप इसको इग्नोर कर दो, ये जो बीच में रेस्ट कर रहे हैं, आप एक रफ आइडिया लगाओ पहले सर, किसी की साइकिल को स्किप करो और थोड़ा रफ आइडिया लगा लो। तो सर यहां पर देखो, अगर मान लो दोनों ने पांच दिन काम किया, तो पांच दिन में पांच चेयर बना देंगे, दोनों मिलकर पांच दिन में पांच चेयर बना देंगे, है ना। एक काम करते हैं सर, थोड़ा ना स्किप करते हैं, जैसे ये इसने बोला छह दिन, एक काम करो सर इसको ना आप ले लो 18 दिन, जैसे सिक्स की साइकिल है ना, ऑप्शन से भी आइडिया लग रहा है भाई 15, 16, 17, 18, तो स्किप करके ना एक काम करो ट्रिपल कर दो सीधा, कि सर एक काम करते हैं आफ्टर, ठीक है ना, एट या फिर 18 दिन की कैलकुलेशन करते हैं सीधा, 18 दिन की कैलकुलेशन। 18 दिन की कैलकुलेशन में श्याम ने कितने दिन काम किया होगा बता सकता कोई बच्चा? 18 दिन में श्याम ने कितने दिन काम किया होगा? हाँ जी, 18 दिन में श्याम ने कितने दिन काम किया है? श्याम ने 15 दिन, क्योंकि वो 6 दिन में एक दिन का रेस्ट लेता है, तो 6 दिन की साइकिल में 5 दिन काम करता है, तो 18 दिन की साइकिल में श्याम ने कितने दिन काम किया होगा? सर श्याम ने काम किया होगा अपना दैट इज 15 दिन, ठीक है ना। तो श्याम ने काम किया 15 दिन, ठीक है, और राम ने कितने दिन काम किया? देखो सर राम की साइकिल 5 दिन की है, तो 15 दिन में, 15 दिन में राम कितना काम कर लेगा? देखो राम 5 दिन में वर्क कितने दिन करता है? 4 दिन। तो सर मैं कह सकता हूं 15 दिन में उसने वर्क किया 12 दिन, फिर 15 दिन के बाद अगले 4 दिन तक लगातार काम करेगा, यानी 16वें दिन काम करेगा, 17वें दिन काम करेगा, 18वें दिन काम करेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सर 18 दिन में जो राम ने काम किया ना, 15 डेज काम किया ना यार, 12 के बाद 13, 14, 15 दिन काम किया ना राम ने भी तो 15 दिन काम कर दिया, राइट है? एक सेकंड, मैंने कुछ गलत रीड किया, मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट रुकना। अच्छा अलोन है ये, अलोन। ओके, वही मैं सोचा है तो काम ही नहीं बनेगा। 29 है तो राम की एफिशिएंसी 1 आएगी और श्याम की एफिशिएंसी भी 1 आएगी, दोनों की एफिशिएंसी 1-1 आएगी। तो 18 दिन की कैलकुलेशन में श्याम ने 15 दिन काम किया और राम ने भी 15 दिन काम किए, तो सर 18 दिन में तो इन्होंने राम ने इसने 15 दिन में कितनी चेयर बना दी होगी? 15, इसने 15 दिन में 15, ऐसे तो 30 चेयर बन गई, जबकि चेयर बननी चाहिए 29,
इसका मतलब काम कौन से दिन खत्म हो गया भाई? 18वें दिन तो 30 चेयर बन जाएंगी, तो इसका मतलब जो काम है वो 17th डे ही खत्म हो गया होगा। आगे बात समझ में? मैंने क्या किया, मैंने एक रफ स्ट्रक्चर कि भाई राम 5 दिन की साइकिल अगर मैं उठा राम की, तो 5 दिन में 4 दिन वो काम करता है और शाम 6 दिन में 5 दिन काम करता है, तो मैंने सीधा 18 दिन उठा लिया और वहां से कैलकुलेट कर दिया। ठीक है अश्मित, धर्मेंद्र, जो भी बच्चे नेक्स्ट पे आते हैं, पक्का ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैंने शुरुआत में थोड़ा गलत डेटा ले लिया, कोई कंफ्यूज ना हुआ उस वजह से, आई होप। ठीक है ओके नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ ऑप्शन, फिर आइडिया ऑप्शन से लग जाएगा। ठीक है अब आ जाओ सर, यहां पे एक लॉक का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, बहुत बढ़िया सा ये एक लॉक का क्वेश्चन। ठीक देखो समझना, अनडाउटेडली बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले x प्लस 1 है, क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा क्वाड्रेटिक का? क्या इस क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिट होगा? बिल्कुल होगा सर, 5 2 जा 10, 5 2 दिख रहा है हमें क्लियरली, तो सर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, सर ये 2x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सर यहां से आ जाएगा x प्लस, 2x कॉमन निकालोगे x प्लस 1 आ जाएगा, 5 कॉमन निकालोगे x प्लस 1 आ जाएगा, है ना? तो एक बनेगा सर 2x प्लस 5, एक बनेगा x प्लस 1, ऐसे करके फटाफट से रफली एज अ रफली फटाफट साइड में कर लेना है। ठीक है तो ये हो गया सर पहले तो लॉग, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मैंने जान के रखा है क्वेश्चन ताकि फंडे क्लियर हो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? 2x plus 5 और इसको मैं लिख सकता हूँ x plus 1, राइट है सर? प्लस में सर यहाँ पे चल रहा है log 2x plus 5, ये 2 है ना, एक काम करो इस 2 को आगे लेकर आ जाओ। आप सबको पता ना कि log के आर्ग्यूमेंट पे अगर कोई पावर है तो आर्ग्यूमेंट की पावर कॉफिशियंट बन जाती है, तो 2 log यहाँ पर हो जाएगा x plus 1 और यहाँ पर कितना आ गया 2x plus 5 आ गया। आपका दिमाग तो इस पर चल गया होगा हालांकि कि सर यहाँ पर 2x plus, कितने बच्चे हैं जिनको ये स्टेप लिखते क्लिक हो रहा है थोड़ा सा कि सर अभी ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर आगे जाके ना वैसा कुछ बनेगा कि आप इसको टी मानोगे और टी प्लस 1 बाय टी का कुछ बनेगा। आ रही बात पकड़ में? कितने बच्चे हैं जो आगे के एक दो स्टेप तक पहुंच चुके हैं कि सर यहाँ पे भी होने वाला, यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट उसका बेस, तो सर यहाँ कुछ ऐसा ही होगा कि ये ऐसे ना रिवर्स में दिखेंगे, आप एक को टी मानोगे टी प्लस 1 बाय टी बनेगा, ये जैसे क्लिक होता है ना आपको आगे पता क्या होने वाला है, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक से टी निकलेगा, टी से एक्स निकलेगा, ऐसे करके सोचते हैं बच्चे। ठीक है तो खैर यहां पर आ जाता हूं मैं, दैट इज माइनस 4 और इक्वल टू 0 है। अब यहां पर आओ, इस पार्ट को जरा मैं साइड में सॉल्व करता हूं। एक बार बताओ लॉग का आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट में दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे हो जाएगा ना कुछ, दैट इज लॉग 2x प्लस 5 यहां पर x प्लस 1 और प्लस, और मैं सही बताऊं ना इस क्वेश्चन में मुझे बेकार में एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बस आपके लिए इतना मैं श्योर हूं कि जो बच्चा इसको क्लिक कर चुका है ना वो इतने स्टेप नहीं लिखेगा, अभी मुझे मजबूरी में लिखने पड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना अगर log के आर्ग्यूमेंट में दो नंबर मल्टीप्लाई है तो ऐसे एडिशन हो जाता है ना, log 2x plus 5 plus log x plus 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं ये कितना हो गया मेरा, दैट इज log 2x plus 5 यहां पर x plus 1, ठीक है, और प्लस में क्या होगा log x plus 1 द बेस x plus 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और ये क्या चल रहा है, एक काम करो बेस चेंज कर देते हैं क्योंकि सर क्लियरली दिख रहा है जो इसका आर्ग्यूमेंट और बेस है वो इसका बेस और आर्ग्यूमेंट है, मतलब बेस आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज दिख रहे हैं अगर आप इस पे ध्यान दो यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना, तो एक काम करो इसको रिवर्स करके लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा, जैसे 2 है ना तो ये लॉग का रिवर्स, मतलब अगर आप बेस आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है लॉग 2x प्लस 5 और यहां पर आ जाएगा आपका x प्लस 1 और साथ में माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां तक सही चल रहा है क्वेश्चन सबके हिसाब से? मैंने क्या, देखो ना यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट क्या है 2x plus 5, बेस है x plus 1, आर्ग्यूमेंट बेस इंटरचेंज हुए पड़े, दिख रहा है ना सबको, सनेश मनीष जो भी है, क्लियर? अब यहाँ पे कितना हो गया, अब आप इसको t मान लो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के हम लोग t मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा t और प्लस 2 अपॉन t और ये माइनस का 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ये हो गया t प्लस 2 अपॉन t माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस में 3t प्लस 2 और अपॉन t आएगा जो उधर 0 के साथ जाके, ये पूरे के अपॉन में t आएगा जो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाना है। ठीक है फिर करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा मैं इसके 2 और 1, लेकिन माइनस 2 माइनस 1, तो t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 1। यहां तक क्लियर सभी बच्चों को बात, ये सुनो कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है क्वेश्चन? ठीक है अब आपने टी किसको माना था, अब यार कोई बच्चा ना पहले तो ये फील मत लेना कि अरे सर ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यार क्वेश्चन पे फोकस करो, काफी कुछ सीखोगे इसके थ्रू। ठीक है ना
ओके वापस आते हैं, तो ये आ गया आपका log 2 plus 5, ठीक है, तो log 2x plus 5 with the base x plus 1, एक बार इसकी वैल्यू 2 आ रही है ना, एक बार इसकी वैल्यू आई है 2, और क्योंकि ये आया, और एक आ रहा है log 2x plus 5 with the base x plus 1 की वैल्यू 1 आई है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2x plus 5, और ये हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर, यहां पर होगा 2x plus 5 and that is x plus 1, तो एक यहां से x की वैल्यू मेरी आ रही है -4, क्या ये पॉसिबल है, क्या x की वैल्यू -4 हो सकती है, नहीं, क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू -4 नहीं होगी क्योंकि ऐसे में बेस नेगेटिव आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। चलो यहां से शायद दो सॉल्यूशन है देखते हैं, तो ये हो गया 2x plus 5, ये कितना हो गया a square plus b square plus 2ab यानी कि 2x, तो सर x square 2x 2x कट गया है ना, ये आपका 2x से 2x तो कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आएंगी 2 और एक आएगी -2, सर इसमें से -2 नहीं हो सकती क्योंकि अगेन बेस नेगेटिव हो जाएगा, तो अब -2 मत लो क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा, क्या 2 ले सकता हूं, क्या मैं 2 ले सकता हूं, हां सर 2 आप ले सकते हो, चेक कर लो, इनफैक्ट चेक भी कर लेना, 2 पे पॉजिटिव रहेगा, 2 पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यहां पर भी देख लेना 2 पे पॉजिटिव रहेगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, तो एक ही आंसर आया था, बढ़िया क्वेश्चन, यस और नो, ठीक है, तो ये भी बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना, डन, ओके सर, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ऑफ एलजेब्रा, एवरेज, तो एवरेज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है टेस्ट, ठीक है, इस तरीके का जैसे मैंने रखा, और एक तरीके से मुझे लगता है सारे के सारे कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के हमने चीजों को उठा उठा के एक फटाफट से सम अप किया, राइट, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट ही रखूंगा मैं, जरूरत से ज्यादा मुझे लगता है थोड़ा सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर करके आना चीजें, ठीक है ना, ओके यहां पर आते हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ क्लास, एक क्लास के अंदर मैंने सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट बांटी, द स्टूडेंट हु गॉट 1/6 of the total number of chocolate actually got 5 times the average number of chocolate of the other. यहाँ पर देखो दो calculation चल रही है, एक other और एक single बच्चा, है ना? तो एक काम करता हूँ, ये जो other बच्चे हैं ना, ये जो student हैं, ये जो other वाले बच्चे हैं ना, मैं मान लेता हूँ ये total n बच्चे हैं, other वाले n बच्चे हैं और एक बच्चा ये अलग से, कर सकता हूँ ऐसा, चलेगा? है ना? एक ऐसे n पकड़ लेते हैं। ओके कहता है द स्टूडेंट हु गेट 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, अच्छा टोटल चॉकलेट भी नहीं पता अपने को, तो ठीक है काम करो, मुझे ये कट जाएगा जहां तक टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है ना, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट को सी बोल दो, एक बच्चा जिसे कि 1/6 मिली टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट का, 1/6 ठीक है, 1/6 मिला मतलब सी का 1/6 इसे मिला, actually got 5 times the average number of chocolate the other got, other को कितनी average chocolate मिली है, मान लो others को A average chocolate मिली है A, तो C by 6 is equal to, मैं कह सकता हूँ 5 times ना, C by 6 is equal to 5 times of A, ये बात पकड़ में आई सभी को, पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है ना, अगर total chocolate C है, बच्चे N है, average A है, तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चा जिसे 1/6 ऑफ द टोटल चॉकलेट मिला है, ठीक है, देखो मैंने बस इस लाइन को पकड़ा है, क्या नाम है सौरभ, मैंने क्या बोला, एक बच्चा जिसे 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मिला, अगर टोटल चॉकलेट है सी, तो सी का 1/6 इसे मिला, जो कि बाकी बच्चों को जो एवरेज चॉकलेट मिली है उसका 5 टाइम्स है, बाकी बच्चों को एवरेज चॉकलेट मान लो ए मिली तो उसका 5 टाइम्स है, ये मैंने लिखा है, डन है बात, क्लियर सभी को, अभी मेरे सामने यार मैंने छोड़ दिया, एक स्टूडेंट जैसे मैं कहता हूं कि यार एक स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो ऑब्वियसली बात है बच्चा यही करेगा, वो इस लाइन को पढ़ेगा, सर यहां पे ना टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट की बात हो रही है, फिर कह रहा है एक बच्चा जिसे 1/6 ऑफ द चॉकलेट मिला मतलब सी बाय सिक्स मिली, सी बाय सिक्स चॉकलेट मिली, वो कितनी है जो बाकी बच्चों को एवरेज चॉकलेट मिली उसका 5 टाइम्स, तो ठीक है बाकी बच्चों को एवरेज ए मिला तो उसका 5 टाइम्स, सिंपल, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ठीक है आगे बढ़ा मैं, उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, यहां पर टोटल बच्चे कितने हैं, अब कुछ इक्वेशन बनाते हैं भाई, अब ये एक रिलेशन आ गया बट आंसर तो नहीं आएगा, अपने को तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे बताने, यानी n निकालना है, है ना, तो अब कैसे करें, तो देखो आपने काफी सारे वेरिएबल लेट कर रखे हैं यहां पे, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान से देखना, जो एक बच्चा है, जैसे यहां पे टोटल चॉकलेट है c, जैसे आपको पता है कि सर एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सर एवरेज में अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी, आएगी ना, जैसे सम निकालना होता है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली, एक को, एक सिंगल बच्चे, क्योंकि यहां पे दो कैलकुलेशन है, एक सिंगल बच्चा और एक बाकी बच्चे, तो सिंगल बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली है, सी बाय सिक्स,
बाकी बच्चों को कितनी चॉकलेट मिली है? सर बाकी ना एन बच्चे हैं और ए एवरेज चॉकलेट है, तो टोटल चॉकलेट एन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर भाई ये जो एन नंबर ऑफ बच्चे हैं इनको ए एवरेज चॉकलेट मिल रही है, तो इन्हें टोटल चॉकलेट कितनी मिली? तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब मुझे ना यहां से बेसिकली मुझे तो निकालना है एन, तो मुझे एन तो चाहिए, बाकी का ये सी ए कट पिटा जाए मैं चाहता हूं, तो मैं काम ये कर सकता हूं कि ये जो ए दिख रहा है इस ए की जगह मैं सी अपॉन, जैसे यहां से ए की ए को हटा देता हूं सी में, तो ए को मैं सी अपॉन 30 लिख सकता हूं। तो यहां ये जो ए दिख रहा है, जैसे सी है ये सी बाय 6 है, ये एन है, ए की जगह मैं सी अपॉन 30 लिख देता हूं। अब क्या होगा सर, सी कॉमन निकल के कट जाएगा, सी अगर आप यहां से कॉमन निकालो सी 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 कट जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास, 1 इज इक्वल टू 1 बाय 6 बच गया ना, एक ही आ गया ना सिंगल वेरिएबल खत्म। यस और नो, आई बात पकड़ में? 1 में से 1 बाय 6 माइनस करो 5 बाय 6 इक्वल टू एन बाय 30, 6 इसको 5 पे काटेगा, एन की वैल्यू 25। क्या आंसर 25 होगा? नहीं सर, ये तो अदर बच्चे हैं 25, वो एक बच्चा उसे भी लो, तो 25 प्लस 1 यानी 26, ठीक है? तो ऐसे समझो कि अगर कोई जैसा दिखता कर दो, अगर आपको वेरिएबल लेने पड़ रहे हैं लो, मैं सच बता रहा हूं कॉमन वॉमन निकल के कट जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, वो कॉमन कॉमन निकल के खत्म हो जाते हैं। ओके सर, तो ये था आज का टेस्ट आपका, उम्मीद है कि चीजें समझ आई होंगी, ठीक है? अब एक काम करो, समझ आ गए जिन जिन बच्चों को, जो लीव करना चाहते हो वो लीव कर दो, ठीक है ना? और जो बच्चे अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीट करवाना चाहते हो तो बता दो। हाँ बिल्कुल, मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, बाकी बच्चे ध्यान रखना, बाकी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? बाकी आपका AIMT होने वाला, एक सेकंड, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, YouTube पे अपलोड नहीं होगी यार, ये मैं ऐप पर यहीं रखूंगा, ठीक है ना? मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, अभी रिपीट करता हूँ, ठीक है? बाकी बच्चे देख लेना, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारे, और उसे भी छोड़ो, मैं एक मेन बताता हूँ, ये मैं लास्ट में स्लाइड दिखा दूंगा, ठीक है? ये तो मैं बताता रहता हूँ आप लोग को, AIMT होने वाला 22 अक्टूबर को, इसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलना, ठीक है? चलो, और मैं क्या कहने वाला था, हाँ हाँ ट्रायंगल वाला मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक पॉइंट और बोलना था। हाँ, बाकी जो अगला टेस्ट है वो जहां तक है, मैं अब आपको ना, क्योंकि ठीक है फर्स्ट डे का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा आप लोगों का, तो अब थोड़ी सी एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ रही है कि हाँ जी और टेस्ट लेते हैं आप लोग के, ठीक है? तो अगला टेस्ट मैं आप लोगों को जैसा भी है, मैं रात में ही एक शेड्यूल बना के किस किस दिन कौन कौन सा टेस्ट होने वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है जी? बात कल 30 PM होगा आपका AIMT, डन? और कुछ कहना? और बाकी आप प्लीज कोई भी बच्चा जज मत करना खुद को, ठीक है? स्टार्टिंग लेवल पे नहीं करना, बस प्रैक्टिस में रहो, सच बता रहा हूँ तीसरे चौथे मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। और नेक्स्ट क्लास से मैं यार 3 मिनट नहीं करूंगा, 2.5 मिनट कर दूंगा मैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास से जो क्वेश्चन की टाइमिंग है वो मैं 3 नहीं करूंगा, 3 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 2.5 मिनट कर दूंगा मैं, ठीक है? तो 2.5 मिनट का टाइम रखूंगा पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? चलो अब आते हैं एक एक करके, फटाफट से बताओ, ठीक है? बाकी बच्चे लीव कर देना जिनको भी, ठीक है? समझ आ गया? पहला क्वेश्चन को रिपीट करवाना चाहता है, फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट करवाना चाहता है? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में सीपी, यस माइक ऑन करके फटाफट पूछ लो भाई, यश क्या सीपी दे तो रहे? देखो प्रॉफिट पर एलिगेशन मैंने प्रॉफिट परसेंटेज पे लगाया, एक मिनट में रिफ्रेश कर लो, अब ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, नहीं वो मैंने रिफ्रेश किया था इसलिए हो गया। यश सीपी का रेशो क्यों लिया? क्योंकि एलिगेशन जो है ना, यश मैंने एलिगेशन मैंने लगाया है प्रॉफिट परसेंटेज पे, एलिगेशन हम जिस पे भी लगाते हैं रेशो हमेशा उसके बेस का आता है, रेशो हमेशा आता है बेस वैल्यू का, ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंटेज का बेस क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो बेस में सीपी आता है, दैट्स व्हाई मैंने बेस सीपी को रेशो मैंने बेस वैल्यू यानी सीपी को लिया। क्लियर है यश आपको डाउट? एलिगेशन मैंने लगाया था प्रॉफिट परसेंटेज पे, प्रॉफिट का जो बेस होता है वो सीपी होता है, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट करवाना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉग वाला क्वेश्चन कोई रिपीट करवाना चाहता है? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसे कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रिपीट करवाना चाहता है, कोई डाउट है जो डिस्कस करना चाहता है? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, कोई ये तो कोई नहीं रिपीट करवाना चाहता होगा, नहीं ना? नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसको कोई रिपीट करवाना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है इसमें? यस, क्या पूछना चाहते हैं नवनीत बताओ, कोई भी बच्चे? यादव क्या बताना है इसमें, कोई पॉइंट है?
अच्छा गलती से हो गया, फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ये शशांक, देखो शशांक होता क्या है, ध्यान से सुन लेना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें पेट्रोल है, इस कंटेनर में पेट्रोल है, दैट इज 500 लीटर, ठीक है, 500 लीटर पेट्रोल है। आपने क्या किया शशांक, इसमें से मान लो आपने 20% पेट्रोल बाहर निकाला, फिर आपने इसमें क्या करा, 20% वापस में क्या डाला, पानी डाला। पहले ये बताओ शशांक, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे आज से पहले, जरूर देखे होंगे, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कहते हैं हम लोग इसे, है ना, कि एक कंटेनर होता है, उसमें से 20% पेट्रोल बाहर निकाला, वापस में 20% पानी डाला, फिर 20% पेट्रोल, वापस 20% पानी। तो ऐसे में आप रिप्लेस किससे करते हो, आप इसमें जो रिप्लेस कर रहे हो बाय वाटर। अगर आप रिप्लेस कर रहे हो वाटर से, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला किस पे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा सर पेट्रोल पे, फॉर्मूला लगेगा पेट्रोल पे, जिससे रिप्लेस करते हैं फॉर्मूला उस पर नहीं लगता। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि फाइनली फाइनली पेट्रोल कितना बचा अपॉन में फाइनल टोटल क्वांटिटी। मतलब आपने यही जो प्रोसेस है 20% बाहर निकाल के 20% डालना, अगर आपने इस चीज को दो तीन बार किया है, तो आफ्टर दो तीन प्रोसेस फाइनली पेट्रोल कितना बचा अपॉन में फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू शुरुआत में पेट्रोल कितना था, इनिशियल पेट्रोल कितना था अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई के की पावर एन। सर के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है फ्रैक्शन लेफ्ट। मतलब सर, मतलब कहने का, अगर आप 20% बाहर निकाल रहे हो, तो आपने बाहर कितना निकाला 20%, यानी कि 1/5 आपने बाहर निकाला, तो बचा कितना, लेफ्ट कितना है, तो सर लेफ्ट हुआ 4/5। अगर 1/5 आपने बाहर निकाला, तो बचा कितना 4/5, यानी जो कंटेनर की क्वांटिटी है, अगर कंटेनर की टोटल क्वांटिटी है 5, तो उसमें बचा कितना, लेफ्ट कितना है, दैट इज 4। ये होता है के का मतलब, समझ गए बात शशांक, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे मैंने अप्लाई किया शशांक, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, तो इस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया, ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो कंटेनर है उसके अंदर मिक्स क्या हुआ पड़ा है, दैट इज वाटर एंड शुगर मिक्स हुआ पड़ा है, ठीक है, वाटर शुगर मिक्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले इसमें से 10 लीटर कंटेनर जो है उसकी क्वांटिटी है 10 लीटर, उसके अंदर वाटर और शुगर मिक्स हुआ पड़ा है। पहले मैंने क्या करा, अच्छा पहले मैंने बताया कि उसमें शुगर था कितना, 15% शुगर था, ठीक है। मैंने उसमें से कुछ लीटर बाहर निकाला और वापस में डाला पानी, फिर मैंने कुछ लीटर बाहर निकाला वापस में डाला पानी, क्योंकि मैं रिप्लेस कर रहा हूं पानी से, तो फॉर्मूला लगेगा शुगर पे, ठीक। फॉर्मूला क्या कहता है कि फाइनली शुगर कितनी है, फाइनल शुगर अपॉन फाइनल क्वांटिटी, फ्रैक्शन लिखना है। अगर आप कहते हो कि सर 10% शुगर बची, फाइनली कितनी शुगर बची, 10%, विच इज 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या, अगर आप कहते हो शुगर बची 10, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर फाइनली क्वांटिटी 100 है, तो उसमें शुगर बची 10, ये कह सकते हो शशांक, यस और नो भाई, 10% शुगर बचने का मतलब है कि फाइनल क्वांटिटी 100 है, तो उसमें शुगर बची 10, इज इक्वल टू, फिर क्या आता है फॉर्मूले में, इनिशियल, यानी शुरुआत में शुगर कितनी थी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, सर शुरुआत में शुगर थी 15%, मतलब सर शुरुआत में क्वांटिटी अगर 100 थी, तो उसमें शुगर कितनी थी, 15, इनटू, यहां पर आता है के, के का मतलब होता है फ्रैक्शन लेफ्ट, कि कितना बचा। लेकिन फ्रैक्शन लेफ्ट तो आप तब बता पाओगे ना शशांक, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कितना परसेंट बाहर निकाल रहे हो। यहां तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि आप ये जो कंटेनर है इसमें से आप कितना, बस मैंने बोला अ फ्यू लीटर, कि कुछ लीटर आपने इसमें से बाहर निकाला, कुछ मतलब कितना वो पता ही नहीं है, तो अपन के तो बता ही नहीं सकते, राइट शशांक, तो यहां पर सिंपल सा के आएगा, क्योंकि ये नहीं पता, और प्रोसेस हुआ दो बार, दैट्स व्हाई 2 आ गया, कैंसिल आउट किया, 100-100 कट गया, 5 शेड्यूल में 2 पे गया, 5 शेड्यूल में 3 पे गया, तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/√3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मैंने के का मतलब क्या बोला था शशांक, के का मतलब मैंने बोला था फ्रैक्शन लेफ्ट, कि कितना बचा, बचा कितना आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी, ऑब्वियसली। अगर आप कहते हो सर मेरे पास, जैसे मान लो आप ये कहते हो शशांक कि सर मेरे पास, मैंने कहा मान लो शॉपिंग के लिए मैंने आपको कुछ पैसे दिए, फिर मैंने कहा आपके पास कितने रुपए बच गए, तो आपने कहा सर 2/5 बच गए, इसका मतलब कि सर अगर आपने मुझे 5 रुपए दिए थे, तो उसमें से 2 रुपए बच गए, राइट शशांक, यही मतलब हुआ ना। अगर आप कहते हो सर मेरे पास 40% पैसा बच गया, तो इसका मतलब 40/100, यानी आपने मुझे 100 रुपए दिए थे, तो उसमें से 40 रुपए बचे। तो अगर मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन लेफ्ट है √2/√3, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी अगर √3 थी, तो उसमें बचा कितना, √2, मतलब जब आप वो रिप्लेस कर रहे थे, तो बच कितना रहा है, √2, तो इसका मतलब आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, √3 - √2। फिर मैंने वही बोला दिस इज 1.0, अब तो आगे कर लोगे शशांक, फिर रिप्लेस वाली वैल्यू मैंने बोली दैट इज 1.73 में से आपने 1.41 माइनस किया, दैट वाज कितना आया था 0.32। फिर इसकी वैल्यू एक्चुअल में 10 लीटर है, फिर कैलकुलेटर की मदद लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स चाहता है कोई बच्चा, मैं रिपीट करूं क्वेश्चन नंबर सिक्स ये वाला, कोई बच्चा? नहीं, क्वेश्चन नंबर सेवन कोई चाहता है मैं रिपीट करूं, सेवंथ वाला, ये वाला क्वेश्चन सर, इसमें नाइन्थ टर्म में फर्स्ट वेरिएबल को 50 बना दिया, नेक्स्ट को 11 का स्क्वायर, ऐसे स्मार्टनेस को कैसे बदलो? नाइन्थ टर्म सर, इसमें मैंने नाइन्थ टर्म में फर्स्ट वेरिएबल को, नाइन्थ टर्म में समझा नहीं मैम नवीन क्या कह रहे हैं, सर सिक्स का स्टार्टिंग बता दो कि मैंने ये कैसे बनाया कल्पेश, ये पूछना चाह रहा हूं कि ये चीज आपने कैसे बनाई थी। हाँ कल्पेश, ओके, यहां पर क्या लिखा था कल्पेश, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 8 × 4 का स्क्वायर प्लस 14 × 5 का स्क्वायर। देखो मेरी बात को सुनना कल्पेश, देखो इसमें ना पहले किसी भी एक नंबर पे, पहले आप जैसे आपको ना इसकी फॉर्मेशन बनाने की, भैया किस तरीके से चल रहा है फॉर्मूला, तो बीच में मल्टीप्लाई है, फिर सर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर कुछ है, पहले आप इस पे ध्यान दो, 2, 8, 14 कितने का गैप चल रहा है, 6, 6 का गैप चल रहा है, 6, 6 का गैप है, तो आप ना 6, 6 का गैप है ना, तो पहले आप 6 का टेबल लिखो, 6, 12, 18, 6 के टेबल से 4 कम है, 6 के टेबल से 12 से 4 कम है, 18 से 4 कम है, तो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली जो पहला नंबर चल रहा है वो 6 के टेबल में आप 4 कम कर दो तो आपको पहले नंबर मिल जाएंगे, या सोनो कल्पेश, अगर मैं n की जगह 1 डालूं कितना आएगा, 6 × 1 − 4 यानी 2 आएगा, 2 डालूं तो 6 × 2 − 4 यानी 8 आएगा, बात आई पकड़ में। अब आ जाओ कल्पेश स्क्वायर पे, आपको ना ये ध्यान रखना है कल्पेश कि जब आप यहाँ पे जो भी लिख रहे हो ना, वट एवर जो भी लिखोगे, तो जब आप 1 लिखो, जब आप जैसे आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखने वाले हो, अब जब आप उसमें एन की जगह 1 लिखोगे ना तो आना चाहिए 3 का स्क्वायर, एन की जगह 2 लिखोगे तो आना चाहिए 4 का स्क्वायर, एन की जगह 3 लिखोगे तो आना चाहिए 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो पहले तो आप कहोगे सर ऊपर स्क्वायर लगा दो, लगा दिया आपने, कहा सर आप चाहते हो 1 डालो तो 3 आ जाए, 2 डालो तो 4 आ जाए, 3 डालो तो 5 आ जाए, मतलब आपको हर बार 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो सर इसको ना एन प्लस 2 लिख दो, आप 1 डालोगे 1 में 2 ऐड करो 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2 डालोगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ऐसे करके, तो ये मैंने इस तरह डिफाइन किया, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 7 किसी को रिपीट नहीं करवाना ना, कुछ कहेंगे अरे सर वैसे इतनी मुश्किल से समझ आया था, ठीक है अब क्या ही रिपीट कराएं। सर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे वो बता देता हूं तस्नीम में, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट आप करेंगे तस्नीम, देखो यहां पर लिखा है के एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ना इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है, और यहां पर है के माइनस 2 और एक्स एंड माइनस 2 और इक्वल टू 0 लिया, सपोज मैंने इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे जैसे k और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे लाना है 2k और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना लाना है k माइनस 2, तो ऑब्वियसली दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 2k आ जाए और माइनस करने पे k माइनस 2, तो वो दो नंबर क्या होंगे, जाहिर सी बात है सर k और 2 ही होंगे और वो इसने ऑलरेडी लिख के दे रखा है, समझ गए बात तस्नीम, तो पहले तो ये ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिट है राइट, तो आपको करना क्या है यहाँ पर के एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस का 2x और माइनस का 2 इक्वल टू 0, यहां से अगर आप k कॉमन निकाल लोगे, के एक्स अगर आपने कॉमन निकाला तो x प्लस 1 बचेगा, यहां से माइनस 2 कॉमन निकालना x प्लस 1 बचेगा, तो एक हो जाएगा के एक्स माइनस 2 और एक आपका हो जाएगा दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन के, क्योंकि इसको 0 डालोगे 2 अपॉन के, इसको 0 डालोगे माइनस 1। कितने बच्चे कहते हैं कि सर अपना वो शॉर्टकट वाले तरीके से लिखो ना, वो जो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हो वो लिख दूं मैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है आपने k माइनस 2 लिखा है, मतलब फैक्टर डिसाइड करते वक्त आपने k को प्लस लिया 2 को माइनस लिया, तो डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं माइनस का k और प्लस का 2, और अगर एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट में कुछ है तो उससे डिवाइड कर देते हैं, समझ गए बात सभी बच्चे, तो कितना आएगा माइनस 1 और 2 अपॉन k आएगा, ऐसे करके डायरेक्ट भी कर सकते हो ये कॉमन वॉमन ना निकालने की बजाय, ठीक है, क्योंकि भाई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2k आए और माइनस करने पे k माइनस 2 आए, तो k और माइनस 2 लोगे ना, k और माइनस 2 है ना, k और माइनस 2 लोगे, k प्लस लोगे ये माइनस 2 लोगे, फाइनल आंसर में साइन बदल जाता है, तो प्लस का k माइनस का k बन गया, माइनस का 2 प्लस का 2 बन गया, साइन चेंज करते हैं, और अगर x स्क्वायर का कोई कॉफिशियंट है, अगर x स्क्वायर के कॉफिशियंट में कुछ लिखा है तो डिवाइड कर देना, समझ गए बात, कहने का मतलब है कि अगर मैंने लिखा 2x स्क्वायर और
सपोज मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है सर? मल्टीप्लाई करने पे लाना है 10, और ये साइन माइनस का है, ये साइन माइनस का है, तो माइनस करने पे आना चाहिए 9. तो दो नंबर बने 10 वनजा 10, 10 में से एक गया 9, पर माइनस 9 चाहिए, तो माइनस का 10 प्लस का 1 लिखोगे तभी माइनस 9 आएगा, राइट है ना? मल्टीप्लाई करने पे 10 और डिफरेंस करने पे 9, दो नंबर लिए 10 और 1, लेकिन लिखोगे कैसे? माइनस 10 प्लस 1 तभी तो माइनस 9 आएगा, फिर फाइनल आंसर में साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 10 प्लस का 10 प्लस का 1 माइनस का 1, और अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में कुछ है तो उससे डिवाइड भी कर देना, समझ गए बात? ये मैं सिखाना चाहता हूं बेसिकली जब मैं बोल रहा होता हूं डायरेक्ट, ठीक है? चलो सर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ रिपीट कराना है क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को? क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ रिपीट करना है क्या? यस, देखो यादव होता क्या है, डायरेक्ट ध्यान रखो यादव, कि अगर आप सिमिलर ट्रायंगल से एक्चुअली ये चीज प्रूव हो जाती है, कोई बहुत बड़े लॉजिक नहीं है, कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के अंदर मैंने स्क्वायर डाल दिया, अगर एक ट्रायंगल के अंदर मैंने एक स्क्वायर डाल दिया, ठीक है? अब क्या करना होता है ध्यान से सुनना, अगर ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों लाइनें जाहिर सी बात है पैरेलल हैं, यस और नो? स्क्वायर है तो भैया 90 डिग्री होगा ना, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल. तो अगर मान लो मैं दो ट्रायंगल उठाता हूं, ये एबीसी है और ये पीक्यू है, तो मैंने दो ट्रायंगल उठाए, एक ट्रायंगल उठाया एपीक्यू और एक ट्रायंगल उठाया एबीसी, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, यस और नो? सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे दोनों, मानते हो सभी? राइट, सिमिलर हो गए, बढ़िया. अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है, मान लो बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो बी है, और बड़े वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो एच है, छोटे वाले ट्रायंगल, अब इसकी साइड अगर ए है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली लेंथ ए होगी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? सर ये मेरी एच माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा एच है, जिसमें अगर साइड ए है तो ये ए, तो ये कितना? एच माइनस ए. अगर ये साइड ए है तो सर ये, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर है तो सर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा. तो अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल देखूं, दैट इज एपीक्यू, तो अगर एपीक्यू नाम का छोटा वाला ट्रायंगल देखूं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है? दैट इज ए. और इसकी हाइट कितनी है? सर इसकी हाइट है एच माइनस ए. वहीं अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल देखूं एबीसी, तो उसका बेस क्या है? दैट इज बी. और उसकी हाइट क्या है? दैट इज एच. अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका बेस अपॉन हाइट, जो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइट यानी कि ए अपॉन में एच माइनस ए, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइट यानी कि बी अपॉन में एच, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं, साइड ऑल्टीट्यूड बेस ये सब प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि सिमिलर है. अब यहां से कितना हो जाएगा? सर आपको ए निकालना है, आपको ए निकालना है, तो ये हो गया ए एच, ये हो गया बी एच, और ये माइनस हो गया आपका ए बी. इस ए बी को यहां लाओ तो ए एच प्लस ए बी, और ये उधर जा करके क्या हो जाएगा? दैट इज बी एच. ए कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा एच प्लस बी बचेगा, और यहां पर आ गया एच और बी, तो ए की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? दैट इज एच बी अपॉन एच प्लस बी. तो इसलिए हम लोग कहते हैं, जैसे मैं एक शॉर्टकट बना के बच्चों को बोलता हूं कि ये सब अब टाइम पास एग्जाम में नहीं करना है, कैसा भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैंने स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैंने स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है, तो जो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड ट्रायंगल की इस वाली साइड के ऊपर आ रही है ना, तो इसको मैं बोलूंगा बेस, और इसके ऊपर ये हो गए ट्रायंगल की h4 हाइट. तो स्क्वायर की जो साइड है, जो साइड होगी स्क्वायर की, वो क्या होगी? बेस इनटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट. अब समझ गए? तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, डन. अब यहां मैंने क्या किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को मैंने बोला 1. इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो उसकी हाइट क्या होती है? रूट थ्री अपॉन टू ए होती है, यानी हाइट होगी रूट थ्री बाई टू. समझ गए? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बनाया ना आपने, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड तो तीनों इक्वली होती है. मान लो 1 ले लिया तो बेस हो गया 1, हाइट कितनी होगी? रूट थ्री बाई टू ए के हिसाब से, क्योंकि हाइट होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की रूट थ्री बाई टू ए, तो रूट थ्री बाई टू. तो स्क्वायर की साइड क्या होगी? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट. फिर आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गई साइड, ये आ गई स्क्वायर की साइड. फिर स्क्वायर का, फिर इसने बोला था स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, स्क्वायर का एरिया, इक्विलैटरल का, सॉल्व करके आंसर. आगे बढ़ते हैं सी. नहीं, पीवाई क्यू थोड़ी है पार्थ, पीवाई क्यू नहीं है. ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? रिपीट तो नहीं करना इसमें, पता है लॉक की प्रॉपर्टी वगैरह लगा रखी है मैंने. हाँ, रिकॉर्डिंग होगी शिवानी, शिवांगी. ये सेशन जैसे अभी एंड हो रहा है, 11 से ऊपर हो गया टाइम थोड़ा सा,
तो ये जो सेशन है, अरे यार सेशन तो 2 घंटे बोल गया, चलो डाउट भी तो क्लियर करने आप लोग के, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाकी 1 घंटे अभी जब भी मैं सेशन एंड करूंगा उसके 1 घंटे बाद इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 एवरेज वाले में कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, एवरेज वाला समझ आ गया होगा, ठीक है, बढ़िया। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला कराया था, ये तो सबको समझ आ गया होगा, पास परसेंटेज, ठीक है। तो ये था सर एक सेशन आपके लिए, ठीक है। लेकिन यार मैं इसको ना ऐसा भी नहीं कि वीक में मैं दद मतलब यू नो डेली डेली का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप लोग पढ़ो भी तो सही भाई, मेरे जो सेशन है उसके लिए पहले प्रिपेयर तो करके आओ, ठीक है ना। तो वो पॉइंट है, डन है। तो इसलिए थोड़ा सा ठीक है, तो यहां पे देखना, देखो एवरेज वाले में ये था, हाँ लीव कर देना, बाकी बच्चे जिनको क्लियर हो गया, हाँ सर मेरे हो गया, मेरे डाउट आउट क्लियर है, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनके हैं मैं बता देता हूँ, लास्ट वाला किसी बच्चे ने बोला तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो लिखा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट, कितनी चॉकलेट आपको नहीं पता, सी अपने मन में सोच लिया, आपने एक क्लास में बांटी, उसमें कोई एक बच्चा है, कोई एक बच्चा है जिसे 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट मिली, कोई एक बच्चा है जिसे कितनी चॉकलेट मिली, 1/6 यानी सी अपॉन 6 चॉकलेट मिली, जो कि 1/6 चॉकलेट मिलने का मतलब है जो अदर बच्चे हैं ना, जो क्लास के अदर बच्चे हैं, जो कि कितने हैं नहीं पता, एन बोल दो, उन अदर बच्चों को जो एवरेज, उन अदर बच्चों को जो चॉकलेट मिली है, उन चॉकलेट का एवरेज नहीं पता, ए बोल दो, उन अदर बच्चों को कितनी एवरेज चॉकलेट मिली, ए, उसके 5 times जितनी है, मतलब इस बच्चे को 1/6 चॉकलेट मिली है जो कि बेसिकली अदर बच्चों को जो एवरेज चॉकलेट मिली है ना उसके 5 times जितनी है। आगे बात समझ में, जिसने भी पूछा पहली बात क्लियर, ये जो मैंने लिखा, अब इसने बोला बताओ बच्चे कितने हैं, तो मैंने इक्वेशन बनाई टोटल चॉकलेट की, भाई टोटल चॉकलेट सी है, जो कि कैसे लिख सकता हूं, एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली सर, सी अपॉन 6, बाकी अदर बच्चों को कितनी चॉकलेट मिली, तो सर सम इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ बच्चे कितने एन, एवरेज चॉकलेट ए, तो सम कितना हो जाएगा ए इंटू एन, यानी कि ए एन हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां से ए को सी में रिप्लेस कर दिया, जैसे ए है ना इसको सी में रिप्लेस किया, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन 30 आ जाएगी, तो सी और ये हो गया सी बाय 6, या फिर सी बाय 6 को यहाँ सी में से सी बाय 6 माइनस कर दो तो 5c अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर a की जगह क्या लिख दोगे, c अपॉन 30, और यहाँ पर आ जाएगा n, फिर उसके बाद आपका c से c कट जाएगा, 6 इसको 5 पे काटेगा, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब समझ गए बात, सॉल्व कर देना, ठीक है, डन है जी, ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है। किसी और कुछ राय तो नहीं हो भाई, कोई नाराज वराज तो नहीं कि सर मैं तो पूछता ही रह गया आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन सॉल्व करते गया चैट पे ध्यान नहीं जाता, ठीक है। सर इसमें ए को सी अपॉन एन माइनस वन एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकते हो एवरेज, लेकिन एवरेज तो एन बच्चों के लिए ना मैंने सौम्या, एन माइनस, या तो अगर आप इसे एन माइनस वन बोल रहे हो तो वो अलग बात है सौम्या, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सौम्या, इससे बेटर मुझे लगा अदर बच्चों को एन बोल देता हूँ क्योंकि वो एक बच्चा है, तो एन निकाल लूंगा क्योंकि एन माइनस वन लिखूंगा फालतू में कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, अदरवाइज आप उसे एन माइनस वन ले सकते हैं सौम्या, ठीक है ना। ओके नहीं नहीं 31 नहीं आएगा सौम्या, अगर आप एन माइनस वन ले रहे हो और इसकी एवरेज को आप ए बोल रहे हो, आप ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सार्थक सर, मेरा ना एक्चुअली ना ज्योमेट्री से रिलेटेड दो डाउट थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको टैली में भेजे भी थे सुबह, तो मैं सोच रहा था अभी तो लेट हो गया, वैसे भी तो आप एक बार देख के कल प्लस क्लास में बता दोगे, मैं वैसे हाँ मैं बता दूंगा सर, ठीक है, ज्योमेट्री के डाउट है ना, ठीक हाँ सर मैं जैसे बता देता हूँ, जैसे ट्राइंगल है ना उसमें बीच में ट्राइंगल बना रखा उन्होंने, अब उन्होंने उसमें मिड पॉइंट ही नहीं बोल रखा, बस बोल रखा है कि पॉइंट है और हमें साइड दे दी, अब मैं बार देख लेता हूँ सार्थक है ना, टेलीग्राम पे आपने भेजा ना, एक बार देखता हूँ मैं आपको, या तो टेलीग्राम पे रिप्लाई कर दूंगा, अगर सिंपल हुआ तो वैसे ही बता दूंगा, कर देना, मैंने ना आपको आंसर भी भेज रखे उसमें, आप बस मुझे एक बार वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देना पहले ही, ठीक है, चलेगा, समझ आ जाएगा, थैंक यू सो मच सर, ठीक है डन, और दैट्स इट यार, मिलते हैं बाकी है ना। सौम्य ये ध्यान रखें, आप सौम्य आप हो अभी क्लास में, अच्छा तो आपका जो पॉइंट है सौम्या, अगर आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो सौम्या कि बेसिकली आप ये कर रहे हो सौम्या कि आप टोटल बच्चे n कंसीडर कर रहे हो, तो इसलिए जो अदर बच्चे हैं वो n माइनस वन ले रहे हैं आप, सही बात है सौम्या,
अदर बच्चों का आप एन माइनस वन ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, अदर बच्चों की एवरेज आपने क्या ली, अदर बच्चों की एवरेज, अदर बच्चों की एवरेज को तो ए माना ना आपने, या उसको भी कुछ ए, तो उसको तो ए लिया होगा, क्या लिया, सी अपॉन एन माइनस वन। ओहो कॉम्प्लिकेट कर दिया, चलो देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी है और आपने कहा कि उसको, लेकिन एक बात बताओ सौम्या, सारे बच्चों को ये जो एन माइनस वन बच्चों को सी चॉकलेट थोड़ी मिली, अगर टोटल चॉकलेट सी है तो जो एन माइनस वन बच्चों को सारी सी चॉकलेट थोड़ी मिली, उनमें एक बच्चे को तो 1/6 चॉकलेट मिली है ना, राइट right? ठीक है सौम्या आप, हाँ अगर आप ये कर रहे हो ना सौम्या, तो आप एक काम करो, ये बोलो कि सर अदर बच्चों की जो एवरेज है, अगर आप उसे ए बोल रहे हो तो अदर बच्चों को चॉकलेट कितनी मिली है, क्योंकि 1/6 तो एक बच्चे को मिल गई, तो अदर बच्चों को जो चॉकलेट मिली है वो 1/6 सी मिली है और बच्चे आप एन माइनस वन ले रहे हो, अब ये लेके कैलकुलेट करना आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है डन। सेकंड में नहीं, नेगेटिव वगैरह का कोई सीन नहीं है सर, सेकंड में डाउट है प्लीज डोंट इग्नोर सर। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं इग्नोर कर रहा मैं, बोलो अमन फटाफट क्या डाउट है सर सेकंड में। अरे एक ही चीज लिख रहे हो, सेकंड में डाउट है, सेकंड डाउट तो बताओ क्या है अमन सर। नेगेटिव था एम ए, क्या लिखना चाह रहे हो, क्या चीज अमन, नेगेटिव सर, नेगेटिव था मैं, मतलब क्या, क्या मतलब कहना चाह रहे हो कि सेंटर में कोई नंबर ले लूं, ये कुछ कह रहे हो आप कि सेंटर में भी ऐसा कुछ। तो सेंटर में ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप 5 और 15 के सेंटर में ले लो नंबर, कहां पर जाएगा, 7.5, 7.5 हो गया ना, 15, 5, 20, 10 हो गया, चलो 10 हो गया ना, तो 10 का यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5, तो डिस्टेंस तो 10 बनेगा, 9 से कम तो नहीं हुआ ना, उसने बोला था डिस्टेंस 9 से कम होना चाहिए, अगर आप सेंटर में भी ले तो भी, अरे कहीं पर भी ले लो, ठीक है अमन, कहीं पर भी ले लो, 5 और 15 के बीच में आप कहीं पर भी पॉइंट लोगे ना, कहीं पर भी वेरिएबल लोगे, आपका जो टोटल डिस्टेंस है ना सर वो 10 ही आएगा, 10 से कम नहीं आ सकता। और ये कह रहा है कि आंसर 9 से कम लो, भैया आंसर तो 10 से कम ही नहीं आने वाला, 9 तो 9 से कम तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना, गलत ही हो गया पूरी तरह, ठीक है अमन। कहीं पर भी लोगे एक्स वाई जेड, कहीं पर भी वी को ले लो, अगर आप वी को बिल्कुल 5 के यहां पर ले लोगे ना कि सर वी को मैंने ले लिया 6 पे, तो 6 से 5 का डिस्टेंस 1 और 6 से यहां का डिस्टेंस 9, तो 9 और 1 10 बन गया। डन है अमन, अब बता दो भाई चैट में, डन, चलो ओके बाय। और बाकी जाने से पहले यार, ये मेरा टेलीग्राम पे सब एडेड है, ठीक है, बाकी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन 2 कैटेगरी है, प्लस और आइकॉनिक, प्लस में मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लास, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका स्ट्रक्चर्ड वे में, कोर्स पीडीएफ, डिजिटल नोट, 25,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट के लिए अनअकैडमी कम्युनिटी, आस्क अ डाउट, आइकॉनिक में आपको 8 फिजिकल बुक, जीडीपी वैट के लिए प्रिपेयर, 1-to-1 डाउट, ठीक है, और ये सब चीजें हैं, 100+ बच्चे जिन्होंने एम ब्लैक ही कन्वर्ट किया, 650 जो अदर टॉप एमबीए कॉलेजेस में पहुंचे हैं, और 28 सितंबर बाकी बैच हमारा। और ये ध्यान रखना, अगर आप 18 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 100% का फी, रिफंड नहीं, रिवॉर्ड लिखें तो ज्यादा बेटर है, अगर आपने आईएम कन्वर्ट किया, ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही यार, ठीक है, मिलते हैं बाकी, और ये कुछ चीजें 1 ईयर तक का एक्सटेंशन, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है, बाय। रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं, 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब अपलोड।